हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू सेम डिजाइन। तो दोस्तों, आज जो है हम थंबनेल देख के पता लग ही गए हैं हम किस टॉपिक में बात करने वाले हैं। तो जी हाँ, आज जो है हम स्लाइडर लिफ्टर के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। बहुत से टॉपिक आ रहा था सर स्लाइडर लिफ्टर के ऊपर बनाओ, तो आज जो है हम अलग अलग स्लाइडर अलग अलग लिफ्टर के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। डिस्कस ही नहीं, हम इसको बना के दिखाएंगे आपको मोल विजेट में कैसे स्लाइडर लिफ्टर डिफाइन करते हैं, कैसे पोजिशनिंग करते हैं, सारा टॉपिक हम कवर करने वाले हैं। तो इस वीडियो में सारा कैलकुलेशन कैसे उसको सेट करते हैं, कहाँ पे कैसा कितना होना चाहिए, लेंथ कितना होना चाहिए, एंगल कितना होना चाहिए, पैरामीटर कैसे सेंड करते हैं, तो सारा टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों, और एक चीज़ मैं बताना चाह रहा हूँ, जो लोग मेरे से बोल रहे हैं सर आप लोग जो है पेड क्लासेस डाल रहे हो, तो ऐसा नहीं है कि मैं पेड क्लास डाल रहा हूँ। तो पहले जो मेरा मॉड्यूल था वो वाली मैं मॉड्यूल यहाँ पे डाल रहा हूँ। अभी जो मेरा मॉड्यूल है जो मैं पेड क्लास में सिखाता हूँ वो बहुत इंप्रूव हो गया है। तो यहाँ पे जो दिख रहे हो उससे जो है 50% और ज़्यादा ऐड हो गया है, तो वो कंटेंट थोड़ा और एडवांस हो गया और अलग अलग हम मॉडल पे करवाते हैं। तो जो पुराना वाला वीडियो था तो मैं यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ। अब जो नया मॉडल है बहुत कुछ अलग मिलेंगे, उसमें सारा कुछ आपको कैलकुलेशन के साथ आपको अलग मिलेंगे। जो मेरा फ्री क्लास है वो अलग है और जो मेरा पेड क्लास है उसमें बहुत सारा आपको डिफरेंस मिलेंगे। ऑलरेडी मेरा जो है 30 से 35 स्टूडेंट हो गया है जो मेरा ऑनलाइन रेगुलर क्लास चलता है, ठीक है, उन लोग के लिए मैं ये चीज़ें बोल रहा हूँ। और दूसरी चीज़, जो लोग मेरे से मेंबरशिप नहीं लिए हैं वो लोग मेंबरशिप ले सकते हैं। मेंबरशिप में होता क्या है, अगर आप मेंबरशिप लेते हो तो आप जो है कोई भी जो मैं वीडियो डालता हूँ उसकी आपकी PDF, उसकी फाइल और इसकी जो व्हाट्सएप असिस्टेंट वगैरह है आपको मिल जाएंगे। उसमें सारा कुछ चीज़ें आप पूछ सकते हो, क्या होगा सर इसमें, क्यों आपने ऐसा किया, क्या डिफरेंस होती है, तो वो चीज़ आप पूछ सकते हो उस वीडियो में। तो इसमें आपको अलग से फ़ायदा मिल जाती है मेंबरशिप में, ठीक है। तो आज इस वीडियो में आप यही देखोगे कि मेरा जैसे स्लाइडर लिफ्टर कैसे सेट करते हैं, क्या क्या कितना टाइप का होते हैं, क्या क्या कहाँ पे पैरामीटर सेंड करना पड़ता है, कैसे सेट करना चाहिए, क्या क्या बोल्टिंग कैसे करना चाहिए, कौन सा बोल्टिंग करना चाहिए, सारा चीज़ें हम जो है इस वीडियो में आपको बना के दिखाऊंगा। तो इस वीडियो में बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो वीडियो को आपको लास्ट तक जो कि चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं स्लाइडर लगाऊंगा, ठीक है। तो स्लाइडर लगाने के लिए मैं ये ब्लॉक को रखूंगा, सिंपली इसको रखूंगा और बाकी जितना भी मेरा ब्लॉक है ना मैं इसको हाइड कर दूंगा। बेसिकली आप यहाँ से भी कर सकते हो, यहाँ से जाके इसको ऑन करके भी आप हाइड शो कर सकते हो। जैसे फिक्स आपको हाइड करना है तो आप हाइड कर सकते हो। बेसिकली मुझे यही वाला पार्ट चाहिए था और इसको आपको हाइड करना है। जैसे कूलिंग वाला हाइड करना है तो कूलिंग वाला भी हाइड कर सकते हो, तो हमने कूलिंग वाला हाइड कर दिया है ना। अब जो ये मैंने इसको सब्सट्रैक्ट किया था वो आपको मिलेंगे, ठीक है। इस तरीके से आप हाइड दोबारा कर सकते हो। अब रही बात हम लोग की, कंट्रोल शिफ्ट आई दबाया मैंने और बाकी जो ये चीज़ है इसको भी मैं हाइड कर दूंगा क्योंकि मुझे साफ सुथरा ड्राइंग चाहिए, ठीक है। मैंने यहाँ पे जो है बाकी सबको जो है हाइड कर दिया, ठीक है, ओके चलो। अब दूसरी चीज जो है यहाँ पे मेरा इंसर्ट लगा है, इंसर्ट का मेरा यहाँ पे कोई काम नहीं है तो मैं इंसर्ट को भी हाइड कर दे रहा हूँ, ठीक है। जब मैं इंसर्ट हाइड करता हूँ तो मेरा यह भी हाइड होता है, क्यों, क्योंकि मैंने इसको इकट्ठा जो है इसके क्या है एसोसिएशन ऑन है, मतलब एसोसिएट ऑन है, तो इसको जो है हमने की बॉडी करके इसको आपको हाइड करना पड़ेगा। तो मैं कंट्रोल जेड कर लेता हूँ पहले, फिर यहाँ पे सॉलिड बॉडी करके इसको पर्टिकुलरली आपको सिलेक्ट करना होगा तभी ये हाइड कर पाओगे आप। तो बेसिकली ये दोनों ब्लॉक रखना है मुझे, ठीक है। पहले हम स्लाइडर करेंगे फिर लिफ्टर करेंगे और मैं यहाँ पे इसको पार्ट को हाइड कर देता हूँ, ठीक है, चलो बढ़िया। अब उसके बाद देखो मैंने यहाँ पे जो कैविटी मैंने जो मेरे कोर में है, कोर में मैंने भी सेम किया था, कैविटी में मैं सेम कूलिंग किया हूँ, ठीक है। मैं वीडियो में दिखाई नहीं था बट मैंने इसको बना दिया हुआ है यहाँ पे, कैसे बनाने में आपको दिखाया हूँ। बाकी आप जैसे है असेंबली में जाके मूव कंपोनेंट करके कर सकते हो, इसको अप एंड डाउन कर सकते हो जैसे आपको करना है। डायरेक्ट अगर मैन्युअली करना चाहोगे तो नहीं कर पाओगे आप, तो असेंबली में जाके करना पड़ेगा क्योंकि आपका ड्रॉइंग जो है असेंबली में है। तो सबसे पहले हम स्लाइडर लेंगे, ठीक है। मैं आपको यहाँ पे दो स्लाइडर बताऊंगा, ठीक है, और चलो ठीक है। तो सबसे पहले मैं क्या स्लाइडर लाऊंगा, आपकी एंगुलर जो पिन वाला है ना तो हम वो लाएंगे। तो मैं यहाँ पे जाऊंगा मोल्ड विजार्ड में, ठीक है, स्लाइडर लिफ्टर असेंबली में जाऊंगा लाइब्रेरी में। उसके बाद जो है हम देखेंगे कौन सी स्लाइडर है, ठीक है ना। तो सबसे पहले बोलते हैं हम इसको जो बोलते हैं पुश पुल स्लाइडर बोलते हैं हम इसको, ठीक है ना। तो इसको हम बोलते हैं पुश पुल स्लाइडर, इसको मैं काट देता हूँ अभी के लिए। नेक्स्ट आता है हम लोग सिंगल कैम पिन, ठीक है ना। ये भी ज़्यादा यूज होता है लेकिन यहाँ पे हैवी एप्लीकेशन में हम इसको यूज नहीं करते, ठीक है। जहाँ पे थोड़ा एप्लीकेशन ज़्यादा होता है हम उसमें डबल कैम यूज करते हैं, है ना, डबल कैम पिन यूज करते हैं, एंगुलर पिन यूज करते हैं। उसके बाद आपकी स्लाइडर 3, स्लाइडर 4 एप्लीकेशन के हिसाब से होते हैं आपको कैसे बनवाना है और इसकी कितना एंगेजमेंट वगैरह क्या है उस हिसाब से आप बनाते हो इसको, ठीक है। तो बेसिकली जो एप्लीकेशन है मैं आपको यही बताऊंगा कैसे आपको लगाना है, कहाँ पे लगाओगे आप, कैसे करोगे इसको, ठीक है, उस हिसाब से हम करेंगे। तो मैं आपको कैसा लगाना सिखाऊं, चलो यही वाला लगाना सिखाता हूं मैं आपको पहले।
ठीक है, एक दो वीडियो देखोगे तो शायद आप कोई मिल जाएगा, लेकिन ये सब नहीं मिलेंगे तो मैं आपको ये दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले मैं इसको क्या करूंगा, अप्लाई करूंगा। ठीक है, कोई भी एक सिलेक्ट करो, मैंने स्लाइडर 5 ही सिलेक्ट कर लिया, तो मैं इसको सिंपली सिंपली अप्लाई कर दिया। जैसे मैं अप्लाई कर देता हूँ, यहाँ पे मेरा जो मेरा ब्लॉक है उसके साथ जो है ये स्लाइडर आ जाता है। अब दूसरे में मुझे देखना क्या है, जैसे मेरा ब्लॉक आ जाती है, अब इसको मुझे क्या है, सबसे पहले हम इसकी अलाइनमेंट करेंगे। ठीक है, अलाइनमेंट करने के बाद मैं इसका साइज वगैरह आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले मैं जाऊंगा रिपोजिशन में। ठीक है, अब रिपोजिशन में जाके आपको क्या करना है, मैं सिंपली जाऊंगा यहाँ पे पॉइंट टू पॉइंट। ठीक है, अब यहाँ पे जो मेरा स्लाइडर है, यहाँ पे कुछ तो मेरा होना चाहिए जो मैं करूँ यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे सेंटर पॉइंट ले रहा हूँ। ठीक है, इसकी सेंटर पॉइंट और यहाँ पे मैं इसकी सेंटर पॉइंट, तो ये पहले देख लो कि इस तरफ है, तो इस तरफ ही ले लेता हूँ मैं, इस तरफ वाली को मैं इस तरफ ले लेता हूँ, लेकिन यहाँ एक्टिव इस तरफ है तो आपको इस तरफ वाला लेना पड़ेगा। तो आपको देखना है एक्टिव किस तरफ है। ठीक है, तो मैंने ये ले लिया, यहाँ पे ले लिया। अब उसके बाद जो है इसको मैं रोटेट कर दूंगा सेंटर लेके, जो रोटेट पॉइंट होगा मेरा, कौन सी पॉइंट लेंगे हम रोटेट में, ये वाला सेंटर लेके मैं यही वाला रोटेट पॉइंट ले लूंगा और इसको मैं 90 डिग्री जो है रोटेट कर दूंगा। ठीक है, या तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपको। अब रही बात इसको, हमको इसको ऊपर तक ले जाना है, तो हम इसको ऊपर ले जाएंगे क्योंकि यहाँ पे जो है नीचे हो गई, अब इसको ऊपर ले जाना पड़ेगा प्लेट के हिसाब से वो होगा। ठीक है, तो हम जो है इसको ले जाएंगे ऊपर के डायरेक्शन में, डायरेक्शन हो टॉप में ले जाएंगे, और इसको जो मैं है यहाँ पे मेजर कर लेता है एक बार। ठीक है, ये डिपेंड करता है आपकी प्रोडक्ट के ऊपर। ठीक है ना, तो उसके ऊपर डिपेंड करता है ये आपकी जो स्लाइडर है कैसे कैसा है और कितना है, ये इसके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, और इसमें हम क्या करेंगे, जो मेरा ये ऑब्जेक्ट है इसको मैं ले जाऊंगा दोबारा एक पे, और यहाँ पे जाके मेजर करके मैं इसको ले जाऊंगा, इसको इसके अलोंग ले जाऊंगा, इस फेस के अलोंग ले जाऊंगा मैं 6 mm ऊपर। ठीक है, ऑलराइट, तो मैंने इसको बना लिया है। अब दोस्तों देखो, मैंने यहाँ पे इसको बना लिया है ना, तो मेरा ये बन गया है जो मेरा स्लाइडर है। ठीक है, बट ये जो है हिसाब से बहुत ज्यादा बड़ा है। बड़ा कैसे है वो मैं आपको पहले ओके कर लेता हूँ, फिर मैं आपको दिखाता हूँ कितना बड़ा है। अब इसके साथ मैं कंट्रोल शिफ्ट के दबाया, मैं ये वाले जो है वो ले आता हूँ। अब देख रहे हो इससे बाहर निकल जा रहा है और कूलिंग में भी डिफेक्ट हो रहा है, मतलब आपका वो हो रहा है, तो हमको तो उसका कुछ काम करना पड़ेगा क्योंकि ये बहुत बड़ा हो जा रहा है। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सिंपली सिंपली हम यहाँ पे जाएंगे। ठीक है, फिर मैं यहाँ पे जाके इस कंपोनेंट को सिलेक्ट करूंगा। अब उसके बाद कितना किसको साइज कितना है आपको पता होना चाहिए, तो हम इसमें इंफॉर्मेशन में क्लिक करेंगे तो ये वाला ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले जो है हम SL का जो विड है वो बहुत ज्यादा है। ठीक है ना, SL विड जो 50 है, तो इसको 30 mm कर लेते हैं सबसे पहले। ठीक है, तो SL जो 30 हो गई तो आपकी साइज बहुत छोटा हो जाएगा, है ना। ठीक है, SLW, अच्छा ये नहीं हुआ, इसको 30 करना पड़ेगा आपको। और SML आपकी हो गई, ये वाली आपका कहा गई SM जो लेंथ होगी, ये वाली लेंथ होगी, इसको ठीक है, इसको इतना ही रहने देते हैं। तो पहले इसको छोटा कर लूंगा। ठीक है, अब ये देखो ये मेरा सही आ रहा है, 30 के अप्रोक्सीमेटली मेरा सही लग रहा है। ठीक है, बट और हम जो है इसको छोटा करेंगे, हम ये जो ब्लॉक है इसको हमको छोटा करना पड़ेगा। तो इसकी ब्लॉक की जो लेंथ है GRW है, तो GRW जो है 25 का है, तो इसको हम कर देंगे कुछ 20 के आसपास। ठीक है, 20-20 मतलब दोनों में 5-5 कम हो जाएंगे फिर आपकी। ये हो नहीं रहा है, यहाँ से स्टैंडर्ड मिलता है बेसिकली, आपको यहाँ से बढ़ा सकते हो। ठीक है, तो जो भी लाइब्रेरी वगैरह बनती है उस हिसाब से आप बना सकते हो। अब देखो मेरे इसके हिसाब से मुझे ठीक लग रहा है, मतलब बेसिकली जितना होना चाहिए उतना मेरा हिसाब से है ना। तो बट अभी क्या है, अभी इसकी लेंथ लंबा है तो इतना लंबा नहीं होता है, थोड़ा अंदर तक लाएंगे हम इसको। ठीक है, तो उसके लिए क्या करोगे, आपको इसके लेंथ देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जो ये लेंथ है, ये वाला जो लेंथ है, इसको हम बोलते हैं SL लेंथ। ठीक है ना, तो हम SL लेंथ को छोटा करेंगे। SL जो है मेरा 65 का है, तो मैं इसको कर दूंगा अप्रोक्सीमेटली 50 का। ठीक है, ये मैं 50 कर दिया हूँ। देखो अब इसको 50 कर दिया, बट मेरा जो एंगुलर पिन हो रहा है बहुत लंबा हो रहा है, इसको हम करेंगे। ठीक है ना, इसको मैं 50 करने से पहले मुझे इसको छोटा इसको करना पड़ेगा, इसको 60 में कर लेता हूँ, नहीं तो मुझे पहले उसके लेंथ कम करना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है, इसको अब ये जो लेंथ है हम इसको ऐसे करके भी देख सकते हो, किसको क्या बोलते हो आप, आपको लेंथ वगैरह देख सकते हो, एंगल कैम की कितना होना चाहिए। जब भी एंगल कैम डिजाइन करते हो ना,
तो 25 mm से ज्यादा मत लेना, ठीक है ना। अगर लेंथ ज्यादा होगा तो एंगल कम होगा, एंगल ज्यादा होगा तो लेंथ कम होगा, दोनों में डिफरेंस होता है कि ये टूटने का साथ रहता है, ठीक है, ये मेंटेन रखना आपको, ठीक है। और हम जो है इसकी जो लेंथ है जो यहाँ पे है इसकी लेंथ दे रखे हमने, इसका जो है हाइट जो है ठीक है, हमने हाइट सही करके रखा है, कितना दे रखा है हमने, इस प्लेट के हिसाब से बोल्टिंग के हिसाब से परफेक्ट है, आपको सेंस करने का जरूरत नहीं है। आपको सेंस करने का जरूरत यह है इसकी लंबाई, जो इसकी लेंथ है ना, जो आपकी इसकी जो गाइड रेल है उसकी आपके जो लेंथ आ रहे हैं उसको लेंथ को कम करना पड़ेगा। तो हम लेंथ को कम करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम दो तरीका लगा सकते हैं, एक तो ये बोल्ट जो ऊपर के साथ बोल्ट हो जाएगी वो, इसको थोड़ा आप लंबा कर सकते हो, बेसिकली जरूरत नहीं है, करना चाहते तो कर सकते हो। और दूसरी चीज जो हमको इसको छोटा करना पड़ेगा है ना, ग्राउंड ऑफ ग्राउंड ऑन, ये आपकी यहाँ पे ऑप्शन मिलती है, पिन जो है डायमीटर 6 का है, कितने का डायमीटर लेना चाहिए मैं आपको बताऊंगा, पिन डायमीटर कैसे कैलकुलेट करते हैं, मेरा जो वीडियो है वहां पे जाके आप पिन डायमीटर कैलकुलेशन करना आपको आप वहां से जाके सीख सकते हो, ठीक है। तो ट्रेवल कितना करेंगे, 5 mm का ट्रेवल करेंगे, ठीक है, तो 5 mm का काफी है। तो आप देख सकते हो मेजरमेंट करके ट्रेवल लेन अगर बढ़ाना चाहते हो तो आप ट्रेवल लेन बढ़ा सकते हो। सपोज मुझे ट्रेवल लेन जो है मैं यहाँ पे जो है 10 mm का करना चाहता हूँ, तो मैं 10 mm का ट्रेवल लेन कर सकता हूँ, ट्रेवल लेन बढ़ाओगे तो ये लेन बढ़ जाएगी है ना, ये जो लेंथ है बढ़ गई। तो ये है ट्रेवल लेन वगैरह आपके ऊपर, जो मेरा कैलकुलेशन है वहां पे जाओगे आपके देखोगे तो वहां पे सारा कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ जाएंगे, क्या होता है ट्रेवल लेन, क्या नहीं होती है, कितना क्या लेना चाहिए, सब पता लग जाएगा आपको, क्योंकि सारा जो है स्लाइडर लिफ्टर उसके ऊपर डिपेंड रहती है। और कैलकुलेशन आप कर ही लेना क्योंकि इसमें सारा जो है आपको काम में आएंगे, ठीक है। तो मैं इसको दोबारा एक बार वो कर लेता हूँ, ठीक है, ओके। अब हमको जो है इसकी लेंथ जो है कम करना है, एसएल लेंथ जो है कम करना है, और उसके बाद जो कैम लेंथ है, कैम लेंथ को भी हमको थोड़ा कम करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम कैम लेंथ करेंगे कम, कैम लेंथ अपना यहाँ पे मिलेंगे, स्प्रिंग डिस्टेंस कैम एल, कैम हाइट आपकी ये होगी, तो मैं यहाँ पे एक बार इसको देख लेता हूँ। कैम लेंथ जो है 40 का है, इसको हम 30 कर लेते हैं, ठीक है, तो इसको थोड़ा सा पुश करने की बात थी जो है इसको ओके करना है, अदरवाइज ये नहीं होता है, ठीक है। और उसके बाद जो है इसकी लेंथ हम कम कर देंगे, एस एल लेंथ जो है, एस एल लेंथ 60 का जगह है, इसको हम 55 करके देखते हैं सबसे पहले जो है, इसको फिर ओके करना है नहीं तो ये चेंज नहीं होता है, ठीक है। तो फिर ठीक है, थोड़ा और कम कर सकते हैं, थोड़ा और जो है निकल रहा है यहाँ से, तो इसको हम और कम कर सकते हैं, तो एस एल लेंथ जो है हम इसको 50 करके देखते हैं। बेसिकली क्या होगा, अगर एक साथ सब कुछ नहीं होता है तो आपको कम करना पड़ेगा, ठीक है ना, तो उस केस में आपको कम करना पड़ता है। और यहाँ पे जो एस एल लेंथ है ठीक है, और जो मेरा एंगुलर वो है कितने का निकल रहा है, ये जो है ट्रेवल लेंथ जो है 5 है, इसको मैं कर देता हूँ 4 की अप्रोक्सीमेटली, ठीक है। और ये लंबा हो गई, इसको हम देखते हैं, मैं इसको अगर 45 करूंगा तो क्या होता है, ये जो है बेसिकली एक छोटा एरर है, ऐसा कुछ नहीं है, छोटा सा एरर हो जाती है, इसमें ऐसा कोई गलती नहीं है आपकी, कुछ कुछ जो है इसमें क्या कॉन्स्टेंट से आपकी कॉन्स्टेंट बनता रहता है, जो अगर कॉन्स्टेंट के साथ छेड़खानी करते हो तो थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाता है, वो चीज है, कोई डरने वाली वाली चीज कोई है नहीं, ठीक है। तो ये हमने इसको बना दिया, इस तरीके से आप बना सकते हो, ठीक है, तो ये हो गई। अब इसको हम ओके कर लेते हैं। तो मैंने इसमें आपको क्या क्या बताया, पहला चीज तो आपको एंगल है, तो आपने एंगल कितना लेते हो आपको एंगल देखना है, फिर फिंगर कैम जो है फिंगर कैम की एंगल डिपेंड करते हैं कितना हमने लिया है, ठीक है। तो पिन डायमीटर जो पिन नंबर कितना है, 2 नंबर, 2 है पिन डायमीटर, 6 mm का डायमीटर है, वो फॉर्मूला मैं आपको दिखाया हूँ कैसे निकाला होगा। यहाँ पे मैंने कितना लिखा रखा है, एंगल 20 डिग्री का, मैक्सिमम 25 होता है, तो जब भी डिजाइन करोगे ना थोड़ा एंगल ज्यादा ही रखना यार, मैं आपको ठीक बता रहा हूँ, मतलब मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से, अगर आप आपको कैलकुलेशन सही से मतलब लगता है कि मेरे कैलकुलेशन में गड़बड़ी हो सकता है, तो जो लेंथ हो लेंथ देख लेना कितना लेंथ है, उसके हिसाब से थोड़ा एंगल 20-22-25 के आसपास, 25 से ज्यादा मत जाना, टूट जाएगा फिर फिंगर गेम जो कैम होगा ना आपकी जो क्यूएम पिन है ना वो टूट जाएगा, तो 20-22 के अप्रोक्सीमेट रख लो, बढ़िया है आपके निकल जाएगा सारा कुछ चीजें, ठीक है, दिक्कत नहीं होगा। तो मेरा अपने हिसाब से बता रहा हूँ, तो ये ठीक है। तो मैंने यहाँ पे बोल्ट लगा दिया है, नीचे से भी बोल्ट है, ये टच हो जाएंगे यहाँ पे, तो इसको ओके कर देते हैं, ठीक है,
ओ सॉरी, मैंने यहाँ पे ना इसको ओके कर दिया, मैंने ओके नहीं करना था क्योंकि डबल आ गई इसमें, तो हम इसको डिलीट करेंगे। अभी भी काम है इसमें, दिखाता हूँ मैं क्या क्या काम बाकी है। ठीक है, तो इसको हम डिलीट कर देते हैं, तो इसको हम कैंसिल कर देते हैं, तो ये आपकी जो है बन गया है। क्लियर है? तो इस तरीके से हम बनाएंगे इसको। डबल पिन है इसमें, अब देख पा रहे हो कितना मैंने पिन लिया था, कैसे लिया हो, क्या क्या सेंस करना है आपको। इस तरीके से बनाओगे, फिर जो है आप यहाँ से जाओगे पॉकेट में, जाओगे इसको आप पॉकेट कर दोगे, इससे आप इसको पॉकेट कर दो बस। ओ सॉरी, शुरू सबको एक में सिलेक्ट कर लिया। यहाँ पे हम कंपोनेंट लेंगे, क्यों कंपोनेंट लेंगे, क्योंकि एक बार में सिलेक्ट हो जाएगा सारा चीजें। क्यों एक बार में सिलेक्ट क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे जो आप देख पा रहे हो ये कंपोनेंट हमने इंपोर्ट किया है, तो हम इस केस में आप पॉकेट ले सकते हो आप। ठीक है, तो वहाँ वहाँ पे आप ले सकते हो। तो ये हमने सबस्ट्रैक्ट कर दिया, एक साथ सारा ब्लॉक जो सबस्ट्रैक्ट हो गए, तो सिमिलरली हम यहाँ पे भी वही चीज करेंगे। ठीक है, तो इसमें भी हम पॉकेट कर देंगे। तो इस तरीके से जो है अब क्या बनाओगे, जो आपकी स्लाइडर है अब वो लगाओगे। अब कैलकुलेशन देखोगे तो सारा कहानी जो है आपको एक एक करके समझ में आ जाएंगे। देख लो, ये फिंगर कैम के लिए जगह हो गई, ये ऊपर से बोल्ट होगा ऊपर के साथ, ये जो ऊपर चले जाए ये एक साथ में, तो ये ब्लॉक है ना, तो ये ब्लॉक है, तो ब्लॉक जो इसके साथ ऊपर के प्लेट के साथ बोल्ट हो जाएगा, तो ये ऊपर ले जाएगा इसको। जब से ये ऊपर ले जाएगा तो ये पीछे आ जाएंगे, ठीक है ना। अब जैसे ही नीचे आ जाएंगे या आगे चले जाएंगे, तो उस तरीके से एंगेज डिसएंगेजमेंट होगा। ठीक है, यहाँ पे जो है हम लोग आगे पीछे होंगे यहाँ पे, तो ये कहानी है इसकी। अब नेक्स्ट केस में हम इसमें क्या दिखाएंगे, देखो यहाँ पे मैं और एक चीज आपको डिस्कस करने वाला हूँ। अब हम जो है, मैंने तो ये लगा लिया, लेकिन ये ब्लॉक मेरे इससे कनेक्ट नहीं है, तो इसके लिए क्या करोगे आप, सबसे पहले किसी एक ब्लॉक को, जैसे आप सॉलिड बॉडी नहीं होना सही है, होगा तो काम नहीं करेगा, दिखाता उसे गलती करके क्लिक कर रहा हूँ, एक्टिव हो रहा है नहीं हो रहा है, राइट क्लिक कर रहा हूँ, राइट क्लिक कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं एक और पार्ट कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये जो करते हो ना मेक और पार्ट, ठीक है ना, ये कंपोनेंट भी होता है, तो ये मेक और पार्ट करना है आपको। मैं यहाँ पे ये नहीं कर रहा हूँ, मैं इसमें सॉलिड बॉडी कर लेना, फिर इसको मैं पहले जो है एक्टिव कर लेता हूँ सारे चीजों को। ठीक है, अब मैं एक और पार्ट कर दो, आप जो है यहाँ पे कर लेना, क्योंकि इसको हटा के करना नहीं, फिलता रहेगा तो बाद में दिक्कत करेगा। ठीक है ना, तो फिर हम क्या करेंगे, असेंबली में जाएंगे, यहाँ पे वेब ज्योमेट्री लिंकर में जाएंगे, तो यहाँ पे जाके मैं यहाँ पे बॉडी सिलेक्ट करूंगा। ठीक है, अब देखो इसको मैं बॉडी सिलेक्ट कर दिया, देखो यहाँ पे भी होगी यहाँ पे भी होगी, दोनों साइड हो जाएगा आपका। उसके बाद क्या करेंगे हम, उसके बाद जो है मुझे यहाँ पे जाना है, सिंपली जाके इसको यूनिक कर दो, इसके साथ इसको सिलेक्ट कर लेना, पहले इसको सिलेक्ट करना, तभी एक कलर पे आ जाएंगे, नहीं तो अलग अलग कलर पे आ जाएगा। ठीक है, देखो बोथ साइड आ गई आपकी कलर पे। अब जो है हम इसको एक्टिव कर देंगे, देखो ये मेरा स्लाइडर ब्लॉक बन गई। अब आप कंट्रोल जे दबाओ, यहाँ पे फिल्टर लो सॉलिड बोल के। ठीक है, अभी जो सिंगल ब्लॉक है ना, राइट क्लिक करो, सिंगल ब्लॉक को सिलेक्ट करो, जो आपने यूनिट करके रख दिया था, ये वाला ब्लॉक हो गई, और यहाँ पे भी होगा कुछ ये वाला ब्लॉक, तो दोनों को जो है हम 100 लेयर पे डाल देता हूँ। ठीक है, तो ये मेरा दोनों ब्लॉक बन गई, अब मेरा स्लाइडर ब्लॉक बन गया है। अब इसको हम लोग जो है वेस्ट बिन में डाल देंगे, डस्टबिन पे डाल देंगे, यहाँ पे देख पा रहे हो यहाँ पे जो अनयूज पार्ट होता है हम वहां पे डाल देंगे, बाद में यहाँ पे जाके आप रिसाइकल में जाके डिलीट भी कर सकते हो। ठीक है, मैं बता देता हूँ, यहाँ पे रिसाइकल है, आप यहाँ पे भी डाल सकते हो किसी चीज को चाहो तो, डायरेक्ट रिसाइकल में डाल सकते हो या डिलीट कर सकते हो। तो इस तरीके से आप क्या बनाओगे, स्लाइडर बनाओगे, है ना। अब ऊपर का प्लेट ले आता हूँ मैं, सारा प्लेट ले आता हूँ, फिर मैं दूसरी कहानी बताऊंगा आपको लिप्टर के लिए। तो इसको एक बार ले आता हूँ मैं सारा चीजें, है ना। फिर आपको क्या है, ऊपर की सॉरी जो ऊपर की प्लेट है, जैसे ये प्लेट है, इसके साथ इसको सब्सट्रैक्ट कर दो, क्योंकि ये नीचे से बोल्ट हो जाएगा इसके साथ, तो ये इस पर अटैच रहेंगे। अगर यहाँ पे आप बोल्ट लगाना चाहते हो, तो यहाँ पे जैसे हम लोग वो लगाते हैं, दूसरी मोल बनाते हैं, जैसे ये मेरा बहुत ज्यादा हाइट होगी, इतना जरूरी नहीं इतना मोटा प्लेट बनाने की, बट ठीक है अगर यहाँ तक होगा तो हम इसको एक्सटेंड कर सकते हैं। ठीक है, इसको हम एक्सटेंड कर सकते हैं, फिर ऊपर से बोल्टिंग कर सकते हैं, लेकिन इसमें क्या नीचे से बोल्टिंग आता है, जो मैं तरीका सिखा रहा हूँ इसमें नीचे से बोल्टिंग आता है, तो हम जो है इसको सब्सट्रैक्ट कर देंगे, फिर से पॉकेट कर देंगे। तो पॉकेट इसको सिलेक्ट करूंगा मैं, सॉरी मेरा लाइब्रेरी आ गई, तो मैं इसमें पॉकेट करूंगा, ये वाला सिलेक्ट करूंगा, और यहाँ पे मैं जो है कंपोनेंट सिलेक्ट कर लूंगा, सिमिलरली यहाँ पे भी मैं कंपोनेंट ही सिलेक्ट कर लूंगा। ठीक है, उसके बाद जो है इसको सब्सट्रैक्ट कर देंगे हम, तो बोथ साइड मेरा ब्लॉक बन गया है। ठीक
ठीक है, यहाँ पे भी मेरा स्क्रू बोल्ट होगी तो इस ब्लॉक को ले जाने में कोई दिक्कत नहीं होगा। जो मेरा फिंगर कैम है, जो मेरा कैम पिन है, उसको ले जाने में मुझे कोई दिक्कत नहीं होगा। तो इस तरीके से आप बना सकते हो, कोई भी डिजाइन हो, कैसा भी हो, है ना। तो इस तरीके से आप लगा सकते हो, और हमेशा ध्यान रखना कि 25 डिग्री से ज्यादा मत जाओ, नहीं तो आप गड़बड़ी हो जाएगी, सारा गड़बड़ी हो जाएगा, फिर आपको हाइड्रोलिक लगाना पड़ेगा, न्यूमेटिक लगाना पड़ेगा, तो ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। तो इस तरीके से हम बनाएंगे स्लाइडर की ब्लॉक, ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज और दिखता हूं मैं, जैसे ये मेरा है, जैसे इसको मैंने 100 पे डाल दिया था मैंने 100 पे, 100 में डालते मेरा क्या हो गया, ये तो रह गई, लेकिन ये इसके साथ क्या था, इसके साथ बोट है ना, उसमें एसोसिएटेड ऑन था, तो ये भी गायब हो गई। तो इसको मेरे कंट्रोल जेड करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं 100 में डाला था उस टाइम, तो आपको दिखाता हूं मैं गलती जो है, ये इस तरीके से होती है गलती यहाँ पे। तो जब भी करोगे कुछ कुछ साइज हाइड करते हो या लेयर पे डालते हो ना, तो हमेशा जब भी डालोगे तो ये चीज ध्यान रखना है आपको कि आपकी जो है फिल्टर में जाके सॉलिड बॉडी हो, तभी ये इसकी जो है सॉलिड बॉडी में होता है क्या, एक्चुअल में सॉलिड बॉडी में आपका ये होता है, जैसे आप सॉलिड बॉडी करते हो ना, तो उस केस में जो आपकी बॉडी होती है, तो उस बॉडी के जो कॉन्स्टेंट लगती है ना, वो कॉन्स्टेंट को हाइड हो जाता है वो आपकी, है ना। तो इस तरीके से हम कॉन्स्टेंट हाइड कर सकते हैं। अभी मेरा आ नहीं रहा है तो मुझे लेयर को ऑन करना पड़ेगा, यार दिक्कत वाली बात हो गई। तो इस ध्यान रखना है इस चीजें, क्योंकि 100 लेयर में ना बहुत सी चीजें आ जाएंगी, कि ऑलरेडी 100 में देखो 91 पार्ट है, तो ये जो है 100 में, इसको मुझे 100 से हटाना पड़ेगा। पहले मैं देख लेता मेरा लेयर जो है कौन सा लेयर खाली है, तो देखो पहले लेयर कौन सी खाली है, तो मैं इसमें डालूंगा अप्रोक्सीमेटली 50 खाली है, मैं 50 में डाल दूंगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे सॉलिड ले लूंगा, कंट्रोल जे राइट क्लिक करूंगा यहाँ पे, तो यही चीज है आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने फिल्टर नहीं लगाया, फिल्टर लगाना पड़ेगा यार, नहीं तो सारा सिलेक्ट होगा। तो हम जो है फिल्टर लगा लेते हैं, नहीं मिल रहा है, चलो इसको हाइड कर देता हूँ, कंट्रोल जेड। यहाँ पे आपको देखना होगा, अगर वो चीज चले जाएंगे फिर तो गड़बड़ी आपकी होंगे। मैं 100 को हाइड करके देखता हूँ एक बार, ठीक है। तो इसको मैं हाइट पहले शो कर लेता हूँ, जो हाइट होगी मेरा, इसको मैं एक बार सारा जो है कंट्रोल शिफ्ट करके मैं ले आता हूँ। तो जब भी हाइट होगा तो ये ध्यान रखना है आपको, नहीं तो फिर आप भी इसमें दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। तो मैं इसको देखो यहाँ पे गायब है ना, यही बोल रहा था मैं, लेकिन यहाँ पे नीचे से गायब नहीं, ऊपर से गायब है, क्योंकि ऊपर देखो नीचे से गायब नहीं, अभी भी है यहाँ पे, ठीक है ना। यहाँ पे जब हमने इसको लेयर पे डाल दिया था तो उस टाइम में ये गड़बड़ी हुआ है, तो लेयर में जाके ही आपको लाना पड़ेगा, ठीक है। इसको मैं ले आता हूँ, ठीक है। तो मैंने इसको ले आया है, अब देख पाओगे अभी मैंने ले आया इसको, तो ये चीज है, तो ध्यान रखना है आपको जब भी इसको करोगे ना, तो ये ध्यान रखना, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे जो है इसको ले आया बेसिकली, अब इसको भी मैं हाइड कर देता हूँ, लेयर भी मत डाल देना डायरेक्ट, जब भी लेयर करोगे सॉलिड बॉडी ऑन करके लेयर में डालना है, तो ये आपकी गड़बड़ी हो जाएगी, यहाँ पे ये ध्यान रखना है। तो दूसरी चीज जो है हमने यहाँ पे लगाना सीख गया है, कैसे हम लोग स्लाइडर लगाएंगे, मैंने आपको कैलकुलेशन वगैरह करके दिखाऊंगा, ठीक है, वो आप देख सकते हो वीडियो में। अब दूसरी चीज जो हम दिखेंगे इसमें, आप लोग कैसे लिफ्टर लगाएंगे, ठीक है। तो लिफ्टर के लिए मैं बाकी सबको हाइड कर दूंगा, बाकी सबको कैसे हाइड करोगे आप, यहाँ पे जाओ सिंपली और यहाँ पे जाके ये वाला ऑन कर दो जो है कोर ग्रेविटी, यहाँ पे ऐसे ऑन हाइड कर सकते हो, ठीक है। तो हम इसको रहने देंगे, जो मोल की ये हाफ है इसको हाइड कर देंगे, और यहाँ पे सॉलिड बॉडी ऑलरेडी ले रखा हूं मैं, तो कंट्रोल शिफ्ट आई दबाऊंगा, यहाँ पे इसको मैं कर दूंगा सॉलिड बॉडी, या आपको बहुत पीछे जाना पड़ेगा, यहाँ पे बहुत ऑप्शन मिलते हैं आपको बताया हुआ अगर आप यूज करते हो तो। तो इसको मैं हाइट कर देता हूँ ऐसे ऐसे करके, एक बार मैं डायरेक्ट हाइट नहीं कर रहा हूँ, क्यों नहीं हाइट कर रहा पता लग गया होगा, जैसे हमने हाइट कर दिया तो बीच बीच में ये जो मेरा इंच आर्ट गायब हो गई थी, तो इसमें नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पे मोल्ड में इतना लेयर होता है ना, आपको पता नहीं चलेगा कि कौन सा लेयर किसमें डालना है, तो ये आपको पता होना चाहिए। अगर ऐसी चीज हाइट करना है तो एक बार में जाके यहाँ पे नॉन सिलेक्शन करके इसको हाइट कर दो, सो सारा चीज एक बार में हाइट हो जाएगी, इसको काट के इसको एक बार में हाइट कर दो, ठीक है।
सॉलिड आ गई, इसमें नॉन एसोसिएटेड करके सबको एक बार में हाइड कर दो, ठीक है। तो इस तरीके से आप हाइड कर सकते हो, नहीं तो यहाँ पे जाके डायरेक्ट कूलिंग को हाइड कर सकते हो, ऐसे कोई दिक्कत नहीं, कूलिंग हाइड, ठीक है। और यहाँ पे इसको भी हाइड कर दे रहा हूँ मैं। तो मेरा ये जो है यहाँ पे मैंने इसमें स्लाइडर लगा दिया है। अब मेरा आ जाएगा लिप्टर वाली बात, लिप्टर वाली बात कहाँ पे आएंगे, ये वाली बात। लिप्टर के लिए मुझे लिप्टर को ऑन करना पड़ेगा, मुझे लिप्टर सही है ना, लिप्टर लगाऊंगा तो मुझे, तो लिप्टर के लिए मुझे लिप्टर वाले जो इंसर्ट है इसको मुझे लाना है, ठीक है। तो मैं इसको ले आऊंगा, अभी यहाँ पे गायब है तो इसको मुझे लाना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं कहाँ पे जाऊंगा, कंट्रोल शिफ्ट के में गया, ठीक है। तो यहाँ पे कंट्रोल शिफ्ट के जाने के बाद जो मेरा लिप्टर पार्ट है, जैसे ये वाला है मेरा, यहाँ पे आप देखोगे इस साइड से ये वाला, तो इसको हम ले आते हैं, सॉलिड बॉडी कर लो इसको। फिर यहाँ पे राइट क्लिक करके यहाँ पे सिलेक्ट फ्रॉम द टूल करके इसको ऑन करके ले आओ, और सिमिलरली यहाँ पे भी इसको भी लाना होगा। तो हम उस साइड जाएंगे, इस साइड से नजदीक पड़ेगा ये हो गई, राइट क्लिक करेंगे फिर सिलेक्ट फ्रॉम द लिस्ट में जाके सिलेक्ट करके दोनों को ले आएंगे, ठीक है। तो ये मैंने लिया है। अब देखो हम इसमें डिपेंड कर रहे हैं आप कौन सी लिप्टर लगा रहे हो, ठीक है, किस तरीके से लगा रहे हो, कौन सी लगा रहे हो, है ना। तो इसमें भी लिप्टर की बहुत सारा टाइप है, ठीक है। तो यहाँ पे इसको मैं दिखाता हूँ आपको, बहुत सारा टाइप मिलेंगे लिप्टर में भी। हम लोग का जो है डबल लिप्टर हो गई है ना, सेंको लिप्टर हो गई, ये स्टैंडर्ड होती है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड होती है, और ये लिप्टर होती है जो स्टैंडर्ड टाइप, कुछ कुछ लिप्टर मिलेंगे, जैसे ये वाला हो गई, ठीक है ना, ये भी इस करते ज्यादा, ये अटैच डिटेचेबल है, ठीक है, ये भी हो गई। तो मैं आपको एक करके दिखाता हूँ कोई भी एक, है ना, बाकी तरीका तो सेम ही है, ये साइज वगैरह चेंज करना। तो मैं इसमें डोवेल ही लगाता हूँ, ये सबसे ज्यादा यूज होता है, डोवेल जो है सबसे ज्यादा आप देखो देखते हो, है ना। तो ये वाला सबसे ज्यादा हम यूज करते हैं, और ये भी यूज करते हैं, ये भी आप यूज कर सकते हो। बेसिकली इसमें क्या होगा, नीचे आपकी एक अलग से वो लगती है, तस वो लगती है, यहाँ पे दो बोल्टिंग हो जाती है, ये भी यूज करते हैं। तो ये वाला सबसे सुइटेबल है, तो मैं आपको ये दिखा देता हूँ। तो इसमें हम क्या करेंगे, अभी जो एंगल है, इस जो एंगल लाइटर है, इसको मैं 10 डिग्री का रखूंगा। लिप्टर में ज्यादा एंगल नहीं रखते हैं, क्योंकि लिप्टर की ज्यादा एंगल रखोगे तो ये लेंथ खा जाता है आपका, ज्यादा लेंथ खा लेंगे, तो ये चीज का दिक्कत है। तो दिखाता हूँ क्या दिक्कत है, क्या आप क्या सीन है। तो अभी के लिए मैं सिंपली कुछ नहीं करूंगा, इसको मैं ओके करूंगा, ठीक है। और यहाँ पे एक प्लेट ले आता हूँ, तभी आप समझ पाओगे कि मैं क्या कर रहा हूँ, ठीक है। ये जो लिप्टर होती है ना, हमेशा ये जो प्लेट होती है यहाँ पे रहती है, मतलब इसकी नीचे से रहती है, और यहाँ पे हम नीचे से बोल्ट करेंगे इसको, ठीक है, और यहाँ पे भी हम बोल्ट करेंगे। दिखाता हूँ मैं कैसे करना है आपको। तो सबसे जो पहले जो है हम इसकी वो डलाएंगे, यहाँ पे जाएंगे लिप्टर पे जाएंगे, ठीक है, और उसके बाद स्टार्ट जाके मैं इसको सिलेक्ट कर लूंगा जो मेरा मेन है। अब मेरा लिप्टर क्या जाएंगे, ये पॉइंट जो है इसके अकॉर्डिंग में आएंगे, तो मैं यहाँ पे इसमें जाऊंगा पॉइंट टू पॉइंट, यहाँ पे मैं इसकी सेंटर पॉइंट और इसकी सेंटर पॉइंट, आप ऐसा भी कर सकते हो, इस पॉइंट को भी खींच सकते हो लेके, जैसे आप कंफर्टेबल हो। मैं फिलहाल के लिए कुछ नहीं कर रहा, मैं यहाँ पे जो है इसकी सेंटर पॉइंट ले रहा हूँ, ठीक है ना। अब बोलोगे सर इसको सेंटर पॉइंट आप क्यों ले रहे हो, तो मैं दिखाता हूँ क्यों ले रहा हूँ, मैं यही जाऊँगा अभी, इसको मैं ओके कर दिया हूँ। अब उसके बाद जो है यहाँ पे ये चीज देखना है, आपकी कोई इजेक्टर पिन वगैरह मेरे साथ आपका इजेक्ट तो नहीं हो रहा है, ये चीज देखना है। और दूसरी चीज मैं इसको जो है फिर से रिपोजिशनिंग करूंगा, रिपोजिशनिंग क्या करूंगा, मैं इसको इसके हिसाब से नीचे ले आऊंगा, इसका नहीं तो इसका लेन बढ़ा दो। तो मैं नीचे ही ले आता हूँ, लेन भी बढ़ा सकते हो अगर आप चाहते हो, तो आप लेन भी बढ़ा सकते हो। तो हम इसको डिस्टेंस कर देंगे, सिलेक्ट कर लो रिवर्स डायरेक्शन, तो यहाँ पे जाके मैं ये लूंगा, ये वाला सिलेक्ट करके मैं इसको रिवर्स डायरेक्शन कर दूंगा। तो फिर यहाँ से जो है हम यहाँ से जो है इसके हिसाब से इसको नीचे ले आएंगे, ठीक है। तो हमने इसको नीचे ले आए। अब दूसरी चीज मुझे इसमें देखना ये है, जो आपने बनाया है इसको पहले ओके कर लेता हूँ, फिर मैं इसको जो हाइड करके दिखाऊंगा आपको, इसको हाइड कर लेता हूँ, ठीक है। अब इसको भी हाइड कर लेता हूँ मैं। अब जैसे मेरा यहाँ पे ये चीज है, अब इसकी लेंथ देखो कितना कम है और इसकी कितना ज्यादा है, तो आपको भी ये वो भी तो एडजस्ट करना पड़ेगा ना। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जाएंगे सिंपली, इसको सिलेक्ट करेंगे लिप्टर को। अब देखो यहाँ पे इसकी लेंथ क्या, विड्थ जो W जो है हम क्या लेंगे, W का जो है हम 15 ले लेंगे, 15 mm, ठीक है, इसकी आई थिंक 15 ही होगा, जब बनाया था मुझे ऐसे कुछ याद है 15 mm के अप्रोक्सीमेटली है, ठीक है। और इसको हम जो है मूव कर लेते हैं, सेंटर टू सेंटर मूव कर सकते हो, जैसे आपको कम्फर्टेबल हो। तो मैं सेंटर टू सेंटर कर लूंगा, यहाँ पे जाऊंगा,
ठीक है, ये वाला ले लेता हूँ और यहाँ पे जाके फैक्टर ये वाला हो जाएगी, इसकी जो सेंटर है और इसके सेंटर पे वो मूव हो जाएगा, ये सेंटर मुझे मिल रहा है, ठीक है ना। तो 0.4 की ये मूव हो जाएगा, ठीक है। तो ये इस तरीके से जो है ये आप वो करोगे, अटैच करोगे या अटैच या डिटैच करोगे, तो इतने इतना आपसे कर सकते हो, या इससे कम भी करना है तो आप इससे भी कम भी कर सकते हो, जैसे आपको कंफर्टेबल हो आप कर सकते हो। अब दूसरी चीज ये देखना ये है, इसमें मेरा जो है लेंथ है, हम इसको थोड़ा बढ़ा सकते हैं कि नहीं, जो मेरा गाइड हील है इसको हम बढ़ा सकते हैं। तो मैं गाइड जो हील है, जो हाइट है, गाइड हाइट की जो हाइट है, इसको मैं 5 की जगह जो है 10 mm कर दूंगा, क्योंकि बोल्टिंग भी करना है मुझे इसको, तो इसको ये बढ़ेगा ऊपर की साइड हमेशा। और जो आपकी फ्रंट ब्लॉक है इसके साइड आप यहाँ पे जाके डायमेंशन वगैरह दोयल बल ले सकते हो, जैसे आपको कंफर्टेबल लगे आप कर सकते हो। तो उसको मैं ऐसे ही रहने दूंगा, अगर करना है तो आप कर सकते हो, चलो कर लेते हैं, ठीक है। तो वेयर जो वेयर ठीक है, हम वेयर ठीक को थोड़ा बढ़ा लेंगे, वेयर जो ठीक है यहाँ पे 2 है, तो इसको हम कर लेंगे 5 का, ठीक है। और जो इसकी नीचे वाली प्लेट है, जैसे ये प्लेट का नाम क्या हो गया हम लोग की, जो होल ठीक है, ठीक है, डोवेल है, हम लोग जो आप बनाना चाहते हो इसको आप बढ़ा सकते हो, ठीक है। तो पेड ठीक है, पेड के हिसाब से ठीक है, कोई अगर चेंज करना है तो आप यहाँ पे देख के जो भी सही है आप चेंज कर सकते हो। तो मैं इसको कितना डिग्री का लिया, 10 डिग्री का एंगल लिया हो, ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो अभी हम क्या करेंगे, फिर यहाँ पे मेरा सब कुछ ओके है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अब इसको मैं ओके कर लूंगा। यहाँ तक कोई डाउट है तो एक बार इसको दोबारा कर सकते हो, फिर यहाँ से थोड़ा कहानी जो है थोड़ा टफ हो जाएंगे। टफ ये होंगे, मैं इसकी प्रोडक्ट ले आता हूँ, कंट्रोल शिफ्ट के इसकी मैं प्रोडक्ट ले आता हूँ एक बार, फिर आपको मैं समझाता हूँ क्या सीन है इसमें। तो मैं इसकी प्रोडक्ट ले आया, प्रोडक्ट लेने के लिए आपको क्या कंट्रोल शिफ्ट के तो दबा लेते हो, लेकिन यहाँ पे जाके फिल्टर ऑन करना पड़ेगा आपको सॉलिड, नहीं तो सारा असेंबली शो हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो प्रोडक्ट को ले आया मैं, यहाँ पे देखो प्रोडक्ट में टच हो रहा है कि नहीं, प्रोडक्ट में टच नहीं हो रहा है, प्रोडक्ट आपको कहाँ तक लिमिट है, मेरा लिमिट जो है यहाँ तक है, यहाँ तक है ना। तो अब हम क्या करेंगे इसमें, तो मैं इसको एक्टिव कर लूंगा, यहाँ एक्टिव कर लूंगा, मैं यहाँ पे जाऊंगा तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे प्लेन ले सकता हूँ, नहीं ले सकता हूँ ना मैं। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे जाऊंगा, वेब ज्योमेट्री लिंकर पे जाऊंगा, ये मेरा स्ट्रेट है, ठीक है ना, यहाँ पे स्ट्रेट है, तो मैं यहाँ पे फेस ले सकता हूँ, इसकी फेस लेके मैं इसको स्प्लिट कर सकता हूँ इस तरीके से कर सकता हूँ, लेकिन मैं इस तरीके से नहीं, आपको थोड़ा इजी तरीके से दिखाऊंगा, देखो क्या होता है। तो इसको रहन दो, चलो मैं इसको रहन देता हूँ, इसको एक्टिव कर लेता हूँ, बात तो एक ही है, इसको आप देख लोगे फिर। तो अब क्या करूंगा मैं, इसमें वेब ज्योमेट्री लिंकर पे जाऊंगा मैं, फिर इसको बॉडी लेके इसको मैं ओके कर दूंगा, ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। तो यहाँ पे ही जाके हम दोनों को इसको और इसको यूनिट कर दूंगा, इसको यूनिट कर दिया मैंने, फिर रिप्लेस करूंगा मैं इस फेस को, इस फेस के साथ मैं रिप्लेस कर दिया। सिमिलरली तो ये फेस है, इस फेस को मैं इस फेस के साथ रिप्लेस कर दिया, है ना। अब ये वाली जो फेस है, अब इसको भी तो करना पड़ेगा ना, इसको इस फेस के साथ मैंने रिप्लेस कर दिया। अब ये फेस जो है इस फेस के साथ रिप्लेस कर दिया, स्लाइडर वाले ब्लॉक की साइज आ गई। अब रही बात इसकी, हम इसको ठीक करेंगे, इसके साथ किसको करना है, इसको करना है, इसके साथ इसको रिप्लेस कर दो, या नहीं तो क्या कर सकते हो, अगर आप चाहते हो कि मैं इसके साथ इसको करूंगा तो कर सकते हो, बट यहाँ पे जो है आपको फिर आपकी वहां पे शेरखानी करना पड़ेगा, मतलब इसके साथ अगर इसको करना चाहोगे ना आप, दिखाता हूँ क्या दिक्कत होगा, ये क्या गड़बड़ी हो जा रहा है, यहाँ पे कम ज्यादा हो रहा है, लेकिन मेन मेन ब्लॉक तो यही है ना। तो हम क्या करेंगे फिर, इसको हटाएंगे, क्योंकि यहाँ पे इसकी कोई रोल नहीं है, इसकी यहाँ पे कोई रोल नहीं है। अब देखो, अब इसको जो है नीचे लाना चाहते हो तो नीचे ला सकते हो, यहाँ पे जो हम इसको स्प्लिट करके, जैसे कैसे स्प्लिट करोगे, चलो कर देते हूँ मैं भी वो भी, ठीक है। तो हम यहाँ पे प्लेन ले लूंगा मैं, तो यहाँ पे मैं इनफर्ट जो है यहाँ पे ये पॉइंट लेता हूँ, पॉइंट एंड डायरेक्शन, तो ये वाला पॉइंट मत लो, ये वाला लो, डायरेक्शन जो है ऊपर वाली हो जाएगी, ठीक है ना, ये वाला लेता हूँ, फिर इसको मैं स्प्लिट कर दूंगा, यहाँ पे जाके स्प्लिट, बॉडी को सिलेक्ट करके न्यू प्लेन में जाके यहाँ पे जो ऑलरेडी फेस प्लेन है इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ हम, इसको मैं स्प्लिट कर दिया। इसके बाद जो है इसको मैं रिप्लेस कर सकता हूँ, इस बॉडी को इसके अलावा मैं रिप्लेस कर दूंगा,
कर दिया, ठीक है। इसके अलावा मैं इसको रिप्लेस कर दिया। अब इसके बाद जो है मैं इसको यूनिक कर सकता हूँ, ये भी रह सकता है, लेकिन यहाँ पे स्मूथ होना चाहिए, ठीक है ना। यहाँ पे जो बना हो गया स्मूथ होना चाहिए, ये स्मूथ में आना चाहिए क्योंकि ये टेपर में है, तेरा में है, एंगल में है ना, तो इसको आप स्मूथ होना चाहिए। अगर आप ऐसे बनाओगे, चलो मैं ऐसे एक बार दिखा देता हूँ फिर समझोगे आप, है ना। वैसे कोई दिक्कत नहीं है, कर सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है, वैसे आप कर सकते हो। यहाँ पे अगर इसको मैं लेयर पे डाल लूंगा, सॉलिड लेके करना, ठीक है। बट टेंजेंसी मेंटेन करोगे ना तो फिर कोई दिक्कत नहीं होती है वैसे। अब यहाँ पे देखो कोई वैसे दिक्कत वाली बात नहीं है, बट कभी क्या होते हैं, ये मूवमेंट होता है तो ये है कि होने का चांस रहेगा, मतलब टच होने का चांस रह सकता है। तो मत मेरा हिसाब से ना ही करो, कोई दिक्कत नहीं है, वैसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि इतना आपको लिप्टर का एरिया मिल रहा है तो ये ऊपर होगा तो ये हट ही जाएगा, वैसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो इस तरीके से आप कर सकते हो। अब हम आपको पूरी कहानी दिखाते हैं, कंट्रोल शिफ्ट के लाता हूँ मैं, सारा ब्लॉक को ले आता हूँ एक बार, कुछ कुछ काम करना पड़ेगा अभी बाकी है, मैं दिखाऊंगा आपको। अब देख लो लिप्टर का काम कैसे हो रहा है, ये रहा आपका लिप्टर, परफेक्ट, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आपका लिप्टर का काम हो गई, और ये आपके स्लाइडर का काम हो गई, है ना। अब अगर चाहूँ हम इसकी नीचे वाली जो प्लेट है उसके ऊपर काम करना है तो आप काम करना है, आपको काम कर सकते हो। काम करने के लिए क्या करोगे आप, मैं बाकी का चीज को हाइड करता हूँ, वो भी ठीक कर लेंगे हम एक साथ ही, फिर इसको सबस्ट्रैक कर देंगे, ठीक है। तो पहले इसको मैं ठीक कर लूंगा, तो ठीक करने के लिए मैं यहाँ पे जाके जो है जो ये हाइड करना पड़ेगा आपको, ठीक है। अब ये ब्लॉक है ना, इसको हमको अलग से करना पड़ेगा, अलग से इन द सेंस ये जो है मैं इसको हाइड कर दूंगा, पहले तो इसको हाइड कर दूंगा। अब इसको दोनों को आपको मतलब रिप्लेस करना पड़ेगा, रिप्लेस वो नहीं तो पहले तो हम इसको एक्टिव कर लेता हूँ, मैं इसको दिखाता हूँ मैं क्या कर रहा हूँ। ओपन इन विंडो कर दिया मैंने, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो है, यहाँ पे मेरा कोई जरूरत तो है नहीं, ये जो है मुझे इसको सब्सट्रैक्ट कर दूंगा, मुझे यहाँ पे कोई जरूरत नहीं है, है ना, कोई जरूरत नहीं है मुझे यहाँ पे। तो इसको आप यहाँ पे सब्सट्रैक्ट कर सकते हो, मतलब जो लिप्टर है कंट्रोल शिफ्ट के करके मैं लिप्टर को ले आता हूँ। अब लिप्टर के साथ हम बोल्टिंग करेंगे इसको, अभी आप यही करेंगे, हम दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे देखो इसके हिसाब से ये नहीं है, सेंस हो गया ना, ये बोल रहा हूँ मैं, ये जो सेंस हो गया ना आपकी, ये जो यहाँ पे जो दिक्कत आएगा, यहाँ पे जो अप एंड डाउन में प्रॉब्लम आएंगे ना, वो चीज का प्रॉब्लम आएंगे फिर आपको। तो ये मैं आपको बोलने जा रहा था कि ये चीज को आपको ध्यान रखना है। इसके लिए आप क्या कर सकते हो, इसके लिए आपको थोड़ा काम करना पड़ सकता है। काम ये है, मैं इसको दिखाता हूँ क्या करना है आपको। इसको हम जो है ऑफसेट कर सकते हैं, बात एक ही होता है बेसिकली, पार्ट एक्टिव नहीं है, पार्ट को एक्टिव कर लेता हूं मैं, या रिप्लेस भी कर सकते हो, काम एक ही होगा, आपको रिप्लेस कर दूंगा तो आपके काम एक ही होगा। इसको हम स्पेस के अलग रिप्लेस कर देंगे, ठीक है, बात एक ही होगी। तो वैसे भी कर सकते हो, या इसको यहाँ पे कट काट सकते हो आप, जैसे आपको ठीक लगे। तो मेरे हिसाब से यही ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो है मोशन जो है कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। वैसे भी कर सकते हो, लेकिन वैसे करोगे तो फिर आपको गैप रखना पड़ेगा, तो ये चीज को ध्यान रखना है आपको, ठीक है, ठीक है, कोई इशू नहीं। तो यहाँ पे हम इसको काट नहीं सकते, क्योंकि यहाँ पे तो ये तेरा ही आएगा आपका, और यहाँ पे तो आपके स्ट्रेट ही आएगा, ठीक है। इसको भी तेरा बनाना से तो बना सकते हो, बट बेसिकली यहाँ पे चेंज तो करना ही पड़ेगा आपको, यहाँ पे तो आप वो इलेक्ट्रिक चलाओगे, ठीक है। कोई नहीं, हम नीचे का काम कर लेते हैं अभी। नीचे का मतलब मैं इस प्लेट में काम करूंगा अभी। इस प्लेट में काम करने के लिए मैं इसको प्लेट को ले आऊंगा, पहले तो मैं सारे को ले आऊंगा, फिर यहाँ पे फिर इसको एक्टिव कर लेता हूँ, फिर जो है बाकी चीज को हाइड करके यहाँ पे जा, इसको बुला के मैं बाकी का जो है बोल्टिंग करूंगा, इसीलिए टाइम लगता है इस वीडियो में, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको जो है जीरो करना पड़ेगा आपको, कंट्रोल शिफ्ट के, यहाँ पे फिल्टर नहीं ले रहा हूं मैं, ठीक है, क्योंकि मैं पूरा लिप्टर को ले आऊंगा, ठीक है।
तो इस केस में हम इसको भी हम रिप्लेस कर देंगे, ठीक है। तो इस केस में आपको रिप्लेस कर सकते हो या डिलीट कर सकते हो, डिलीट भी कर सकते हो तो बेहतर है आपके लिए। रिप्लेस तो कर नहीं पाओगे क्योंकि ये अलग बॉडी है और ये जो होगा आपकी अलग बॉडी है, तो आप नहीं कर सकते हो क्योंकि मैं इसको सिलेक्ट करूंगा, ये सिलेक्ट करेगा क्योंकि मैं हम लोग असेंबली में काम कर रहा हूँ, तो मुझे यहाँ पे डिलीट करना पड़ेगा फिर, है ना। तो मुझे यहाँ पे डिलीट ही करना पड़ेगा, फिर हम इसको सब्सट्रैक्ट कर देंगे। मैं दिखाता हूँ कैसे करना है आपको। छोटी छोटी चीज है, बस कॉन्सेप्ट थोड़ा आपको लाना है, कॉन्सेप्ट ले आओगे तो फिर सारा चीजें जो है आपको बढ़िया से समझ में आ जाएंगे। ये वही चीज है, कॉन्सेप्ट वाली चीज है। डिलीट कर दिया मैंने, अब इसको दिखाता हूं आपको क्या करना है। फिर पहले इसको हो जाए, ये अपडेट हो रहा है, ठीक है। चलो कोई नहीं, हम इसको फिर पकड़ कर देंगे यहाँ पे। ये अभी भी इसको भी करना है आपको, ठीक है। इसको हम पॉकेट कर देते हैं, फिर पॉकेट भी करोगे तो फिर यहां से इसको आपको मतलब ठीक करना पड़ेगा, अदरवाइज ये फंसेगा यहाँ पे, ठीक है। तो इसको पहले जो है होने देते हैं, थोड़ा टाइम लगती है जब आप असेंबली में काम करते हो ना, थोड़ा बहुत टाइम लग जाता है इसमें। तो यहाँ पे जो है इसको मैं एक्टिव कर लूंगा, फिर मैं जाऊंगा यहाँ पे मोल विजेट में, फिर जाऊंगा यहाँ पे सिलेक्ट करके इसको मैं दोनों को जो है सब्सट्रैक्ट कर दूंगा, क्लियर है। तो ये मैंने इसको सब्सट्रैक्ट कर दिया है, अब नहीं हुआ क्या, ओकेट कंपोनेंट का जगह सॉलिड कर लेता हूँ, इसको यहां सिलेक्ट करना है, आई गेस अभी हो जाएगा। कभी कभी एरर हो जाता है इसमें, जैसे आपने देखा अभी मैंने पकड़ कर दिया था फिर हुआ नहीं, तो ऐसे ऐसे कुछ कुछ चीजें जो है ऑटोमेटिकली वो चीजें हो जाती है इसमें, ठीक है। तो ठीक है अभी हो गई है ना, अब देख लो अब हो गई आपकी ये चीजें। और लेकिन यहाँ पे जो मेरा ये चीज है यहाँ पे तो ये फंसेगा है ना, बट फंसेगा ये, जैसे लेन ले जाओगे ये ऊपर हो जाएगी, तो ये चीज का अभी मुझे जरूरत नहीं है। जिसको मैंने अभी सब्सट्रैक्ट कर दिया है इसको भी मैं हाइड कर देता हूँ, क्योंकि ये तो रह जाएगा आपका है ना, ये तो आपके रह जाएंगे, सब्सट्रैक्ट कर दोगे तो ये रह जाएगा। तो मैं एक बार वो ले आता हूँ, कंट्रोल जेड कर देता हूँ, एक बार इसको कर लेना नहीं तो आपको समझ नहीं आएंगे, ठीक है। यहाँ पे मैं इसको सॉलिड कर लेता हूँ, और ये जो चीज है प्रोडक्ट देख लो आपकी प्रोडक्ट कैसा है, प्रोडक्ट के ये बाहर की तरफ निकल के आया है ना, जैसे ये क्या है बाहर की तरफ निकल के आया, ये देख लो है ना। अपने पास ये है अंदर वाला, अपने को सही है, मतलब अंदर वाला सही है। जो आपका लिप्तर है, लिप्तर में क्या आ रहा है, जो आपके लिप्तर है लिप्तर में क्या आ रहा है, अंदर वाला आ रहा है ना। तो आपको अंदर वाला तो नहीं चाहिए, बाहर वाला दे रहा है, अंदर वाला आपको सही है तो ठीक है, बट ये वाला नहीं चाहिए क्योंकि इसमें डबल आएगा, ये तो प्रोडक्ट खा लेगा, ये जो चीज है ना ये प्रोडक्ट खाएगा ना आपका। तो हम इसको फिर लेयर पे डाल देंगे, जो चीज प्रोडक्ट खाएगा आपको इसको जरूरत तो नहीं है क्योंकि ये प्रोडक्ट ले लेगा, तो हम इसको लेयर पे डाल देंगे। जब भी सब्सट्रैक्ट करते हो ये जैसे लिप्तर साइड वाला एरिया है ना, जब भी करते हो ये चीज ध्यान रखना, ठीक है ना। और इसमें सॉलिड बना, इसमें सॉलिड लेके करना हमेशा, क्लियर। अब देखो ये ठीक है, जैसे ये ऊपर जाएगा, जैसे ये ऊपर जाएगा यहाँ पे फिर गैप आएंगे, गैप आएंगे लेकिन यहाँ पे तो दिक्कत करेगा आपका, तो इसको भी ध्यान रखना है, आपको ध्यान रखना पड़ेगा ना। तो फिर आप क्या करोगे उस केस में, उस केस में आपको लिप्तर को बढ़ाना ही पड़ेगा अब, क्योंकि लिप्तर ऊपर जाएगा है ना, तो इस केस में आपको बढ़ाना पड़ेगा। तो इस तरीके से आपको देख सकते हो। और इसमें एक चीज और है, जैसे मेरा लिप्तर है, लिप्तर मेरा ऊपर जाएगा लेकिन यहाँ पे तो मुझे कोई मिला ही नहीं, मुझे मतलब क्या बोल सकते हो इसको मैं, क्योंकि लिप्तर ये तो फंस जाएगा, तो मेरा लिप्तर कहाँ तक आएंगे, ऊपर तक आएंगे, तो यहाँ पे जो है मेरा ऊपर तक नहीं है, तो आपको ऊपर तक करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैंने उस टाइम में काटा था, मैंने रिप्लेस करना भूल गया, तो अभी करना पड़ेगा आपको फिर। तो फिर मैं लिप्तर को ले आता हूँ एक बार फिर से, फिर इसको रिप्लेस कर दूंगा, फिर इसको सब्सट्रैक्ट कर दूंगा। कभी ऐसा करता हूँ कमांड काम नहीं करते, तो यहाँ पे स्क्रीन में दो बार क्लिक कर लेना, कभी आप शॉर्टकट चलाते हो लेकिन आता नहीं है, है ना, तो उस केस में आप वहां पे दो बार क्लिक कर लेना, तो सारा काम आपको हो जाएगा, ठीक है। तो हम इसको रिप्लेस कर देंगे ऊपर तक, जो ये एज है तो ये ऊपर तक रिप्लेस कर दूंगा मैं,
कंट्रोल जेड, तो ये हाइड कर देता पहले तो। तो यहां पे जाऊंगा मैं, फिर इसको एक्टिव कर लेता हूँ। सॉलिड बॉडी है, एक्टिव नहीं हो रहा है, तो मैं इसको दो बार क्लिक कर लेता हूँ, अभी एक्टिव हो जाएंगे। फिर इसको मैं रिप्लेस कर दूंगा, तो इस फेस को मैं सिलेक्ट करूंगा, फिर यहाँ पे मैं जाऊंगा, फिर जाके मुझे यहाँ तक रिप्लेस करना है इसको, या आप इसको ऑफसेट कर लो। तो सबसे पहले हम ऑफसेट करेंगे, फिर हम इसको रिप्लेस करेंगे। तो मैं इसको ऑफसेट कर लेता हूँ पास का, ठीक है, देख लो पास का सही आ रहा है कि नहीं, ठीक है। तो मान लो आपको पास जो है ज्यादा हो गई या कम हो गई, तो इस केस में कैसे करोगे दिखाता हूँ मैं, एक सोशीज आपको कितना आपको आगे पीछे करना है। तो हम रिप्लेस करके कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, अपने को रिप्लेस करके कर लेंगे, सबसे बेस्ट है, ठीक है। ठीक है, तो ये भी शायद बढ़ गया होगा, ठीक है, तो ये ठीक है, यहाँ पे आगे आगे ये इसके हिसाब से ठीक है। तो ऑफसेट ज्योमेट्री लेके कर लेते हैं, इसको सिलेक्ट कर लूंगा यहाँ पे, कितना ऑफसेट करना है यहाँ पे मेजरमेंट कर लूंगा, ठीक है, स्पेसिफाई ज्योमेट्री वाला रिवर्स डायरेक्शन, इस तरीके से हो जाना चाहिए। अब तो यहाँ पे देखो एसोसिएटेड ऑन है, इसलिए ये बोल रहा है कि आपकी दिक्कत आ रहा है, तो इसको रिवर्स कर लो, इसको रिवर्स कर दो, बस ये हो गया आपकी काम, ठीक है। तो आपका काम हो गई, अब साफ ट्रैक कर दो इसको सिंपली। तो कभी कभी होता है जो कॉन्स्टेंट लेते हैं तो वहां पे काम नहीं करते कॉन्स्टेंट, क्योंकि ऑलरेडी एसोसिएट वगैरह ऑन है आपकी, एसोसिएट ऑन रहेगा तो भी सारा कहानी जो है एक से दूसरा क्या रहेंगे, कोरेस्पोंडेंस रहेंगे, मतलब दोनों में आपस में दोनों एक जो है वो रहेंगे फिर, तो ये चीज आपको दिक्कत करता है। तो ये वाला दोनों मेरा हो गई, तो इसको मैं एक्टिव कर लेता हूँ, ठीक है। अब इसको अगर वो करना है कि ऑलरेडी सब्सट्रैक्ट करके रखा हो तो कोई दिक्कत नहीं है, आप देख लो, अगर मैं इसको पॉकेटिंग करके देखो तो ऑलरेडी है ये पॉकेट, है ना, अप्लाई करके लिखा था ऑलरेडी है ये, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि हमने इसके बाद कमांड लगा दिया था ऑफसेट कमांड, तो वो कमांड के साथ वो हो गया था, ठीक है। अब दूसरी चीज जो है, इसको हमने वो कर दिया है, इसके हिसाब से मैंने बना दिया है, बट यहाँ पे जो है एक चीज मैं आपको दिखाता हूँ, फंसने वाला चीज कहाँ होगा, यहाँ पे होगा, क्योंकि ये ऊपर जाने नहीं देंगे, ये जो है जाने नहीं देंगे ना ऊपर, इसको फंसा देंगे, क्योंकि यहाँ पे खासा काट जा रहा है, तो फिर इसको आपको आगे निकालना ही पड़ेगा, उसका कोई इलाज नहीं है। तो हम इसको एक्टिव करो, ठीक है, एक्टिव करके इसको आप रिप्लेस ही कर दो, इसका कोई इलाज नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ऐसा तो मैंने दोनों को सिलेक्ट कर लिया, तो इसका कोई आपको इलाज नहीं है, तो आपको ऐसे करना पड़ेगा फिर। तो अभी तो है ऊपर तक चला जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, या आप ऐसा भी कर सकते हो, मैं आपको एक चीज और दिखा देता हूँ इसमें, आप सब्सट्रैक्ट कर देंगे इसको, या आप ऐसा भी कर सकते हो, जैसे आपके प्रोडक्ट है यहां तक आ रहा है, तो यहां तक स्ट्रेट रख, यहां पे इसको स्ट्रेट रख दो, फिर इसको आप ऊपर ले जाओ, सीधा हिसाब से आप कर सकते हो, काट करके भी कर सकते हो, जैसे आपको कंफर्टेबल लगे, कि वहां से कोई मेथड नहीं करता है, मेथड करता है आपकी टेंजेंसी, ठीक है ना, ये टेंजेंसी लेके आना चाहिए वहां पे, वो चीज मेथड करता है, मतलब मेरा बोलने का ये है, मैं दिखाता हूँ आपको, मतलब ये है, मैं इसको रिपोर्ट को ले आता हूँ। जब भी स्लाइडर या लिफ्टर डिजाइन करते हो ना, 10 बार की जगह 12 बार सोच लो, जहां 10 बार सोचना सही है वहां 12 बार सोच लो, ठीक है ना, क्योंकि गलती होती ही होती है, ठीक है, वहां पे आपको जितना ज्यादा आप उसको बार बार देखोगे ना, तो फिर वो चीज आपकी जो है एक से नहीं, अब किसी चीज को सोचते हो ना एक से नहीं, उस चीज को 10 मतलब एक 1.5 1.2 ऐसे सोच लो आप उस चीज को, ठीक है ना, तो उसकी उस तरीके से सोच लो। यहाँ पे देखो मैं ये बोल रहा हूँ, यहाँ पे जैसे पार्ट आ रहा है ना, ये पार्ट में क्या हो रहा है, पार्ट में क्या हो रहा है, टच हो रहा है ना पार्ट में, नहीं होना चाहिए, तो ये बोल रहा हूँ मैं चीजें। तो यहाँ पे इसको हम जो है यहाँ से काट सकते हैं, यहाँ तक जो है हम स्ट्रेट लेंगे, फिर ऊपर से जैसा हो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन यहाँ तक आपकी टेंजेंसी होना चाहिए, मेरी बात समझ पा रहे हो आप, तो मैं ये बोल रहा हूँ यहाँ तक मेरा टेंजेंसी होना चाहिए, नहीं तो यहाँ पे पार्ट में पार्ट टच हो रहा है, ठीक है। इसको मैं पहले आगे पीछे नहीं किया था, पहले मैंने इसको देखा नहीं था, तो मैंने इसको आगे पीछे नहीं किया, ठीक है, इस तरीके से आपको करना पड़ेगा। अब इस केस में क्या करूंगा मैं, इस केस में मैं इसको जो मेरा पार्ट है इसको मैं डीएक्टिव कर दूंगा, इस पार्ट को एक्टिव कर दूंगा मैं, चलो दिखाता हूँ आपको कैसे क्या करना है, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे इसको मैं काटूंगा पॉइंट लेके, तो मैं यहाँ पे सिंपली एक प्लेन लूंगा, अब यहाँ पे मैं
ठीक है, तो मैं इसको प्लान ले लूंगा एक बड़ा सा, फिर इसको जो है स्प्लिट कर दूंगा, स्प्लिट ठीक है। आप समझ गए होंगे क्या मैंने क्या किया, कि अब जो करना जरूरी है आप समझ गए होंगे इसमें, क्योंकि जरूरी है, नहीं तो आपकी पार्ट में टच हो रहा है, पार्ट में तो आपको टच नहीं करना है ना, तो आपको पार्ट में टच नहीं करना है, कहीं ना कुछ तो ठीक करना ही पड़ेगा आपको। तो हम क्या करेंगे फिर, अब मैं इसको पार्ट को जो है हाइड कर देता हूँ, अब इसको ऐसे रहने देता हूँ मैं, अब जो है इसको मैं एक्टिव करके मैं इसमें काम कर लेता हूँ, क्योंकि फिर नहीं तो मुझे पता नहीं चलेगा मैं किसमें काम कर रहा था। तो ठीक है, मैं यहाँ पे जाके इसको रिप्लेस कर दूंगा, जो पार्ट मेरा टच हो रहा था इसको मैं इसकी अलाउ कर दूंगा बस, ठीक है। तो ये इसके अलाउ हो गया। अरे बहुत कुछ चीजें आती है यार, वैसे हवाबाजी में नहीं बनाते मोल्ड डिजाइन, तो आपको बहुत कुछ चीजें पैरामीटर वगैरह लेके चलना पड़ता है, एक एक चीजें थोड़ा सा माइनस से गलती होती है ना, सारा कहानी खत्म हो जाती है उसमें। तो ये होती है मोल्ड डिजाइन वाली कहानी, तो इसको भी इसके हिसाब से बना लेंगे, ठीक है। ये जो है इसके हिसाब से काम कर लेंगे, कोई बात नहीं, यहाँ पे तो मुझे कोई दिक्कत नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे मेन स्विच तो ये ऊपर से जाएंगे, यहाँ से ये डिसलोक मतलब इस एरिया से ये डिसजॉइन हो जाएंगे, आप देखोगे यहाँ पे, तो यहाँ पे ठीक आ रहा है ना, तो ये ऊपर जाएगा ना, यहाँ पे जैसे ये ऊपर जाएगा, एक सेकंड यहाँ में घुमा लेता हूँ इसको, जैसे ये चीज ऊपर जाएगा ना यहाँ पे, तो ये कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ से ऊपर चले जाएंगे, तो मुझे इस जो ये वाला चीज है तो इसके रंग से इसको भी करना पड़ेगा मुझे फिर, है ना, क्योंकि मेरा जो एरिया है ये तो ऊपर ही जाएगा, ये तो ऊपर ही जाएगा, इसके हिसाब से मुझे ये करना पड़ेगा, नहीं तो मुझे इसको ऑफसेट करना पड़ेगा। तो इसको तो मैंने ठीक कर दिया, इसको भी ऑफसेट करना पड़ेगा मुझे, जो ये बाहर निकल के आ रहा है नीचे वाली, तो यहाँ पे लग रहा है, अब इसको भी मुझे ठीक करना पड़ेगा फिर, यहाँ पे टच नहीं होना चाहिए, यहाँ पे टच होना नहीं चाहिए ना, तो आपको फिर इसको भी ठीक करना पड़ेगा, इसको भी हम ठीक करेंगे। ये तो कहानी होगी, क्योंकि यहाँ पे ठक्का मारेगा तो ये खोल जाएगा, लेकिन ये जो चीज बाहर निकल के आ रहा है ये टच कर रहा है आपका, ये आपका टच कर रहा है, तो इसको ठीक करना पड़ेगा आपको। इसको हम कैसे डिसचार्ज करेंगे देखो, तो सिंपली हम एक काम करेंगे, इसको ऑफसेट कर दूंगा मैं, इसको मैं 2 mm की ऑफसेट कर दूंगा, 2 mm के 1 mm भी कर सकते हो आप, 2 mm ज्यादा हो जाएगा, 1 mm का ऑफसेट कर दो, अब देखो ये टच नहीं होगा, देख लो भाई मैनुअल तरीका भी बता रहा हूँ मैं, ठीक है ना। अब देखो कोई दिक्कत नहीं है, पुश करेगा तो ये बाहर निकल जाएगा, इस पर कोई इसको मतलब नहीं है, बस ये अभी सही है। तो इस तरीके से आपको ये सेल करना पड़ेगा, ठीक है, हो गई आपकी लिप्टर की। अब हम जो है इसकी स्क्रू लगाएंगे, इसके ऊपर हम सारा जो है स्क्रू वगैरह लगाएंगे इसके ऊपर। तो मैंने दिखा दिया मैनुअल तरीके से, कभी एडिटिंग करना होगा तो आप एडिटिंग कर सकते हो, डायरेक्ट भी बना सकते हो, डायरेक्ट मैंने तरीका जो है ब्लॉक बना के बनाना है, डायरेक्ट बनाना सही नहीं है, क्योंकि लिप्टर वगैरह मैनुअली बनाते हैं, कितने भी एक्सपीरियंस बंदे हैं पूछ लेना, लिप्टर वगैरह सभी मैनुअली बनाते हैं, ठीक है, तो आप मैनुअली बनाना पड़ेगा आपको। अब जो है मैं सारा ब्लॉक को ले आता हूँ, ठीक है, इसको एक्टिव कर लेता हूँ। अब मैं यहाँ पे जाके इसको हाइड करके रखा हूँ, तो इसको शो कर लूंगा सबसे पहले तो, ठीक है, कंट्रोल शिफ्ट के सॉलिड बॉडी ले लो और सबको ले आओ, ठीक है। अब उसके बाद जो है यहाँ पे हम जो है इमीडिएट शो हाई शो हाइट में जाएंगे, और जो डोटम डोटम वगैरह ले रखा हूँ मैं, डोटम वगैरह को मैं हाइट कर दूंगा, ठीक है, ठीक है, देख पा रहे हो सारा जो है बन गया है, बट इसमें अभी बोल्ट लगाना है, तो स्क्रू लगाएंगे हम। तो स्क्रू में क्या क्या लगाओगे, कहाँ कहाँ लगाओगे, हम दिखाते हैं आपको स्क्रू कहाँ कहाँ लगाना है। मैं इसको पहले सॉलिड बॉडी कर लेता हूँ, तो यहाँ अगर मैं दिखा देता हूँ आपकी सारा कुछ चीजें, एक एक चीजें मैं आपको कैसे करने क्या क्या किया क्या क्या नहीं किया, ठीक है। अब लिप्टर को भी अब एक एक करके माइनस करना पड़ेगा, है ना, पॉकेट करना पड़ेगा, तो पहले पहले पॉकेट ही कर लेते हैं, तो ये जो है हम इसको पॉकेट कर लेंगे, और यहाँ पे भी थोड़ा जूम कर लो, फिर यहाँ पे भी जाके इसको भी पॉकेट कर लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले पॉकेट होगी जो मैंने पॉकेट किया था, ठीक है। नेक्स्ट अभी इसको भी पॉकेट करना है, यहाँ पे जो आपने बनाया था ना, अब इसको सिलेक्ट करोगे, फिर इसके साथ आपको ये लिप्टर वाले जो ब्लॉक बनाया था आपने, तो यहाँ पे इसको भी तो बनाना पड़ेगा, ये भी तो पॉकेट होगा आपसे, तो ये भी पॉकेट कर दिया मैंने नीचे से, खासा काट गई इसकी भी, ठीक है, देख लो एक बार बनाया कि नहीं,
बनना तो सही है, हाँ जी बन गया। अब थर्ड जो है हम इसको बनाएंगे, तो थर्ड ब्लॉक होगा मेरा, प्लेट कौन सी होगा, ये वाली प्लेट होगी। अब इसके साथ हम बनाएंगे इसको, ऐसे घुमा लेता हूँ थोड़ा सा, यहाँ पे मैं सॉलिड ले रहा हूँ, बस। तो ये मैंने प्लेट में बना लिया, तो मेरा प्लेट है उसमें मैंने बना लिया, और इसमें भी तो बनाना पड़ेगा दोनों को, यहाँ पे भी तो लिप्टर है, तो लिप्टर में थोड़ा टाइम लगता है, स्लाइडर तो जल्दी हो जाती है, कोई यो वाली नहीं है स्लाइडर में। तो ये काट गए देखो, ऊपर वाली प्लेट में काट गए, नीचे वाली प्लेट में भी काटना है आपको, ये वाली प्लेट में भी तो इसको काटना होगा, दोनों को एक बार में सिलेक्ट कर लिया यहाँ पे पॉकेट में, पहले इसको सिलेक्ट करूंगा सॉलिड में, एक बार ये एक बार ये, ठीक है ठीक है। फिर उसके बाद जो है हम इसको सिलेक्ट करेंगे नीचे वाले को, फिर यहाँ पे भी एक बार में ये, इसको मैं हाइड कर लेता हूँ, कंट्रोल शिफ्ट आई करना पड़ेगा दोस्त, ऐसे आपको पता नहीं चलेगा, फिर एक बार आप कर लेना इसको पूरा केस को बैठ के, ठीक है। तो इसको मैं सब्सट्रैक कर दिया हूँ, ठीक है हो गई। अब सारे को सारे चीजों को ले आते हैं, कंट्रोल शिफ्ट के दबा देता हूँ मैं, तो ये मैंने देखो सब्सट्रैक कर दिया था यहाँ पे, इसको ले आता हूँ मैं, ठीक है। नहीं आए तो इसको सॉलिड बनाना पड़ेगा, इसकी कॉन्स्टेंट जो है टूट रहा है मतलब, ठीक है। तो ये आ गई है, यहाँ पे मैंने सब्सट्रैक कर दिया। अब जो है हमको बोल्ट लगाना है, तो बोल्टिंग कहाँ कहाँ लगाएंगे, सबसे पहले चीज बोल्टिंग कहाँ लगाएंगे, पहले हम बोल्टिंग लगाएंगे इसके नीचे से यहाँ पे, तो इसके लिए मैं बाकी सारे चीज को हाइट कर दूंगा, तो फिर मैं वही इसमें जाऊंगा जो मेरा फिक्स हाफ है, इसको हाइट कर दिया, मूव हाफ है इसको भी हाइट कर दिया मैंने, कोर ग्रेविटी जो है हाइट कर देंगे इसको, है ना। बस ये वाला प्लेट रहेगा, और जो है पार्ट वगैरह है तो फर्स्ट इनर वगैरह को हाइट जो हाइट कर देता हूँ, कूलिंग वाला को हाइट कर देता हूँ, इंजेक्शन भी हाइट कर देता हूँ मैं, स्लाइडर लिफ्टर को रहने दूंगा, वर्क पीस जो है हाइट कर देते हैं इसको भी, फिर इसको भी हाइट कर देता हूँ मैं। तो क्या रहेगी, बस ये वाला रहेगी, नीचे वाली प्लेट रहेगी, और बाकी सबको मैं यहाँ पे हाइट कर दूंगा, ठीक है ये आ गई। अब इसके बाद इजेक्शन सिस्टम को हाइट कर दो, ठीक है। अब स्क्रू लगाना है आपको, देख लो यहाँ पे आपको स्क्रू लगाएंगे हम, ठीक है। तो स्क्रू में देखो मैं यहाँ पे दो स्क्रू लगाऊंगा, स्क्रू लगाने का तरीका होता है, स्लाइडर में भी स्क्रू लगता है, लिफ्टर में भी लगता है, ठीक है। यहाँ पे हम लिफ्टर में लगाएंगे, ठीक है, तो लगा देते हैं। तो यहाँ पे स्क्रू कहाँ मिलेंगे मुझे, यहाँ पे मिल जाएंगे, तो मैं यहाँ पे सिंपली जाऊंगा और मुझे यहाँ पे जाऊंगा, फिर स्क्रू में जाऊंगा स्क्रू, ठीक है। तो कितने का स्क्रू चाहिए पहली बात, तो कौन सी, मैं ये वाला लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे फेस है, तो फेस में मैं यहाँ पे फेस सिलेक्ट करूंगा, किस फेस में चाहिए, 3 mm का चाहिए, 4 mm का, जो भी चाहिए अप्लाई कर लेता हूँ पहले, तो ठीक है। तो इसको कहाँ पे चाहिए पहली बात आपको, देखो कहाँ पे आपको चाहिए, यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे जो है इसको सिंपली जो है एक यहाँ पे ले जाता हूँ, जहां जहां डालना है, मैं अभी रेंडमली ले जा रहा हूँ, ठीक है, थोड़ा सा ना सिस्टम मेरा स्लो चल रहा है। तो यहाँ पे ले लिया मैंने, अब थोड़ा ऊपर ले लेता हूँ, इधर इसको ले लेता हूँ, इसको एक कर देता हूँ, ठीक है। आप डायरेक्ट पॉइंट से भी ले सकते हो, जैसे अगर एक लाइन ले लोगे, लाइन में लेना है तो वैसे भी ले सकते हो, आपको जैसे कंफर्टेबल हो आप, है ना। तो दूसरी चीज हमको कहाँ पे चाहिए, दूसरी चीज जो है मुझे यहाँ पे चाहिए सपोजली, इसको अप्लाई कर दो, तो ये यहाँ पे भी आ जाएंगे, अप्लाई कर दो इसको। थर्ड चीज जो है मुझे कहाँ पे चाहिए, मुझे चाहिए यहाँ पे इस एरिया में चाहिए, तो अभी मैं रेंडमली ले रहा हूँ, आप कैलकुलेशन के साथ ले लेना, ठीक है ना। तो मैं इसको कैलकुलेशन के साथ आपको लेना है, मैं अभी जो है वैसे रेंडमली एक ले रहा हूँ, देखो, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जो है स्क्रू जो है लग गए, और स्क्रू का लेंथ कम करेंगे हम, लेंथ ज्यादा है मुझे पता है,
हम लाइन काम करेंगे इसकी भी। अब मैं इसको रैंडमली ले रहा हूँ, अभी पॉइंट जो है मैं आपको दिखाना है कैसे लेना है, ठीक है। अप्लाई कर देना है, ओके मत कर देना, आपको अप्लाई अप्लाई करके ले जाना है इसको बस, ठीक है। अप्लाई कर दो, सारा आपको मिल जाएंगे। तो इस तरीके से हम इसके पॉइंट निकालेंगे और उसके ऊपर हम वो बना देंगे, फिर हम लास्ट में अप्लाई कर देंगे, ठीक है। अब इसकी जो देख लो कितने एमएम का आ रहा है, कहाँ पे कितना आ रहा है, ठीक है। और इसको अगर देखना है तो आप रैंडमली ऐसे देख सकते हो, ठीक है, कोई वो नहीं है, लेकिन टच हो रहा है यहाँ पे, मतलब बहुत बड़ा है। तो आपको इसको क्या करोगे, लेंथ कम करोगे, हाइट जो है 10 एमएम का है, तो हम इसको करेंगे 6 एमएम के अप्रोक्सीमेटली, ठीक है, ठीक है। तो ये काफी है, तो इसको ओके कर देता हूं मैं। तो इस तरीके से आप क्या बनाओगे, वोल्ट बनाओगे, जो वोल्टिंग वोल्टिंग बनाना है तो आप बना सकते हो। यहाँ पे बोलोगे सर वो कहाँ गायब होगी, तो गायब नहीं हुआ, वहां पे 1-2-2 सिलेक्ट करने का ऑप्शन आता है। 1-2 सिलेक्ट करने का ऑप्शन बोले तो ये देखो, मैं बताता हूँ, इसको सिलेक्ट कर लिया मैंने, तो यहाँ पे आ रहा है ओरिजिनल टाइप 1, मतलब ओरिजिनल टाइप 1 यहाँ से आएगा, ऊपर से आएगा। 2 कहाँ से आ रहा है, यहाँ से आएंगे 2, मतलब थोड़ा नीचे से आएंगे। तो यहाँ पे आप इसको सेंस करके भी देख सकते हो, यहाँ पे सेंस करके भी देख सकते हो, बट मैं यहाँ पे सेंस नहीं करूंगा, 1 ही रहने दूंगा, बट मैं इसको थोड़ा ऊपर ले लूंगा बस, और कुछ नहीं, ठीक है ना। तो इसको थोड़ा सा मैं ऊपर ले लूंगा, ऊपर नहीं आ रहा है तो इसको ऊपर लाना पड़ेगा, ठीक है। तो ऊपर लाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे दूसरा तरीका लगाना पड़ेगा आपको, थ्रेड डायमीटर प्लेन जो है, पॉइंट जो है, यहाँ पे हमेशा एक्स वाई ले रहा है और जेड आपकी नहीं ले रहा है, तो इंक्रीमेंटली हम करना पड़ रहा है। तो इसको ठीक है, इसको मैं कैंसिल कर देता हूँ। अब आपको मैं दूसरी तरीके से दिखाता हूँ, इसको पहले मैं हाइड कर देता हूँ, ठीक है। अब इसको आपको ऊपर ले जाने के लिए हम क्या करेंगे, जो असेंबली में है तो हम असेंबली में जाएंगे, फिर मूव कंपोनेंट का यूज करेंगे, ठीक है। तो कंपोनेंट सिलेक्ट करूंगा, सबसे पहले डिस्टेंस लूंगा, ठीक है, फैक्टर लूंगा ऊपर वाला, सिलेक्ट करके हम रिवर्स डायरेक्शन लेंगे। अब फैक्टर में क्या सिलेक्ट करोगे, अब मैं इसको आपको ऐसे हाइड करके दिखाता हूँ पहले। तो इसकी जो ऊपर वाली फेस है, तो ये जो फेस है इसकी सेंटर पॉइंट, और इसकी सेंटर पॉइंट से कहाँ ले जाना है, मतलब आपको ये मैं डिस्टेंस ले लेता हूँ, ये वाला रिवर्स डायरेक्शन, फिर इसकी सेंटर पॉइंट, इसकी सेंटर से जो एज है, एज की सेंटर से इसके ऊपर तक कितने एमएम है, 1 एमएम ऊपर लेना है, बस हो गई आपकी काम। तरीका होता है बहुत सारे, कुछ चीजें, कुछ कुछ मोल विजेट में, कुछ कुछ मतलब बाय डिफॉल्ट आपको ऐसा लगता है कि फॉल्ट आ गई, कि गलती हो गई, है ना। फिर जो है यहाँ पे मैं इसको सब्सट्रैक कर दूंगा, ठीक है। सब्सट्रैक की जगह हम क्या कमांड यूज करते हैं मोल विजेट में, पॉकेट वोल्टेज को। तो यहां से इस दोनों को पॉकेट कर दो आप, ठीक है, कर दिए। तो हम ऐसे ऐसे करके इसको भी पॉकेट कर लेंगे सबसे पहले जो है, ठीक है। अब इससे भी हम इन दोनों को पॉकेट कर लेंगे, ठीक है। तो इसको भी हम लेयर पे डाल देंगे जो अंदर वाली चीज है। तो यहाँ पे मैं इसको सॉलिड ले लूंगा। छोटी छोटी चीज करने में टाइम लगती है, कि यहाँ पे क्या है कि हम यहाँ पे सब पैरामीटर से बनती है ड्रॉइंग है। इसको भी हम डाल देते हैं, और यहाँ पे इसको मैं कॉपी पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पे जाके मूव कंपोनेंट में जाके पॉइंट टू पॉइंट ले लूंगा, यहाँ पे कॉपी ले लूंगा। यहाँ पे फिर गलती मत करना, कभी कभी ऐसा हो जाती है ना कि आप पॉइंट टू पॉइंट के चक्कर में ना आपकी सारा चीजें जो है गड़बड़ी कर देते हो, तो ये भी ध्यान रखना। तो यहाँ अब देखो इसमें भी उल्टा है, क्योंकि ये मिरर वाला फाइल है ना, तो मिरर वाला फाइल है, तो इसमें भी थोड़ा आपको पंगा पड़ेगा। तो इंटर असेंबली ऑन है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे पॉइंट टू पॉइंट मूव कर दिया, इसको ओके कर देता हूँ, तो ठीक है, ये हो गया है पॉइंट टू पॉइंट मूव। तो इसको जो है हम
फिर इसको सब्सट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, तो मैं इसको सब्सट्रैक्ट कर देता हूँ। ठीक है, तो इसको मैंने पॉकेट कर दिया यहाँ पे, तो भाई इसको भी मैंने पॉकेट कर दिया, तो लंबा नहीं करना चाहता था यार, तो इसको वीडियो को पॉज कर दिया। फिर इसको आपको लेयर में डालना है, तो इसको लेयर में डाल दो सॉलिड करके, क्योंकि यहाँ पे जो है ये इसका जरूरत नहीं है, ये जो पॉइंट देख रहे हो ना, ये जो है सॉफ्टवेयर करने के बाद, तो इसका जरूरत नहीं है, तो इसको में हम लोग लेयर पे डाल देंगे। ठीक है, और इसमें और एक चीज आपको करना पड़ेगा, दूसरा चीज ये है, जो ये पिन आना है इसको भी आपको सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा इस प्लेट के साथ, जो ये प्लेट है आपको इसको भी सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा, इसको फिर वही फिल्टर डाल के लाना पड़ेगा। अभी बहुत कुछ चीजें प्रॉब्लम करते हैं मोल्ड विजार्ड में, थोड़ी थोड़ी चीजें ना, थोड़ी इसके लिए टाइम कंज्यूमिंग हो जाती है फिर। ठीक है, तो यहाँ के लिए हम जो है इसको सॉलिड ही ले लेंगे, ये 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 इसको कर लूंगा तो ये ऑटोमेटिकली दूसरा वाला हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गई बोल्ट। ठीक है, नीचे के भी हो गया, तो इस तरीके से जो है अब बोल्ट लगाओगे, फिर ये देख लो यहाँ पे बोल्ट हो गई मेरा, मैं बाकी का सब ले आता हूँ एक बार में, फिर उसके बाद जो है नीचे के प्लेट के मैं बताता हूँ आपको कैसे करना है। ठीक है, सॉलिड लेके आना पड़ेगा आपको, क्योंकि सॉलिड में काम कर रहे हो तो सॉलिड में काम होगा। ठीक है, हमने लिप्टर भी लगा दिया, स्लाइडर भी लगा दिया, अभी नीचे का जो हमने स्क्रू लगाना है, तो नीचे का स्क्रू थोड़ा हम सेम तरीके से होगा, और यहाँ पे मैंने गलती हो गई कि यहाँ पे मैंने डबल होके हो गया। ठीक है, तो इसको हटा देते हैं, तो यहाँ पे जाके जो कॉपी हो गया होगा तो इसको सिलेक्ट करके इसको कर देंगे हम डिलीट। ठीक है, तो ये डिलीट करना है। ठीक है दोस्तों, तो इसको मैंने ठीक कर लिया। तो अभी ये क्या होता है, कभी कभी क्या होता है, हम जैसे एक कोई एक कमांड चलाते हैं तो गलती से ना, जैसे यहाँ पे ऑन है तो यहाँ पे आप कुछ चीजें देखने के साथ माउस से, जैसे मैं काम करता हूँ ना स्क्रोल बटन से, तो मेरा ऑटोमेटिकली वो कभी कभी ऐसे कुछ क्लिक करने जाता है, बट ये क्लिक हो जाता है तो वो ऑटोमेटिकली बाहर आ जाएगा, मतलब दोबारा आ जाता है, वो चीज़ें ध्यान रखना है। ठीक है, मेरा भी वो भी हो गई थी, मेरा भी हो गया था ये। ठीक है, तो हमको अभी नीचे की बोल्ट लगाना है, तो नीचे की लगाने के बाद ये मैं इसको खत्म कर लूंगा, फिर मैं आपको कैलकुलेशन वाला वो वीडियो भेज दूंगा। ठीक है, तो मैं इसको नीचे का बना लेता हूँ, तो सबसे पहले इसको हाइट कर लूंगा, तो इसको हाइट कर लेता हूँ सबसे पहले, इसमें चले जाऊंगा मैं, तो फिर यहाँ पे जो है मूविंग पार्ट को हाइट कर लेंगे। ठीक है, कूलिंग को भी हाइट कर लिया मैं, सारा सिस्टम को मैंने हाइट कर लिया, बस इसमें मुझे चाहिए लिप्टर वाला पार्ट चाहिए, ओनली मैं स्लाइडर लिप्टर को ऑन कर लूंगा। ठीक है, और यहाँ पे कंट्रोल शिफ्ट के डालूंगा मैं, क्योंकि मुझे ये दोनों प्लेट चाहिए, ये दोनों प्लेट चाहिए, तो ये दोनों प्लेट ले आऊंगा मैं, क्योंकि मुझे मेन काम यहीं पे करना है, और बाकी का जितना भी है मैं सबको हाइड कर दूंगा। ठीक है, तो इसको सिलेक्ट हो गई, अब इसको डिसलेक्ट कर लेता हूं मैं। ठीक है, और इसको हाइड कर देता हूं। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे आप बोल्टिंग करते हो, दोनों प्लेट तो क्या रहेंगे, आपस में टच में रहेंगे, जैसे यहाँ पे मेरा ये आ गई तो ये नहीं आना था। ठीक है, इसको आपको ठीक करना है, ये आ रहा है तो ये नहीं आना है, तो इसको साइज छोटा छोटा करोगे आप, या कम करोगे इसको, इतना भी एक्स वाई जो विड है, क्योंकि इतना भी नहीं कम कर सकते कि उसके हिसाब से वो खराब हो जाए। ठीक है, तो आप कम करना चाहते हो तो कम कर सकते हो, मैंने वैसे के लिए सब्सक्राइब कर दिया है तो अभी कम नहीं करूंगा। तो ये आपको ध्यान रखना है कि ओवरलैप ना हो, यहाँ पे जो एक पिन है इजेक्टर पिन का होगा आई गेस, इजेक्टर पिन ही है, तो हम इसको यहाँ से रिमूव कर देंगे, इस पिन को हमको जरूरत नहीं है। तो पहले मैं होल कर वो बना लेता हूँ, फिर हम देखते हैं किसको कैसे रिमूव करना है। तो यहाँ पे फिर मैं यही सेम तरीके से लगाना है आपको, फिर मैं यहाँ पे स्टैंडर्ड लाइब्रेरी में जाऊंगा। ठीक है, ओके मत कर देना यार, यहाँ पे ओके हो जाएगा फिर दोबारा आ जाएगा फिर। ठीक है, तो मैं स्क्रू में जाऊंगा, वही वाला ले लूंगा मैं, लेकिन इस बार मैं थोड़ा पतला लूंगा, या तीन चार जितने का लेना है आपको। तो प्लान जो होगा आपकी ये वाली हम सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, अप्लाई कर देता हूँ मैं, तो फिर यहाँ पे आपको पूछेंगे कि कहाँ पे लेना है आपको। ठीक है, तो हम जो है ऊपर से बनाएंगे बेसिकली, और इसको मैं अगर लूंगा स्टैटिक वायरफ्रेम में तो कहाँ डालना है आपको, अब देख लो किस तरह डालना है। मैं इस तरह डालूंगा, तो मैं इसको ऐसे कर लूंगा और एक पॉइंट मैं डाल लूंगा यहाँ पे। ठीक है, अप्लाई कर देता हूँ मैं, फिर दूसरा मैं डाल लूंगा यहाँ पे। अब अपने हिसाब से इक्वल स्पेस लगा लेना, अगर इक्वल स्पेस लगा सकते तो बहुत बढ़िया है। ठीक है, तो जैसे आपको ठीक लगे, तो आप इक्वल स्पेस लगा के भी बना सकते हो।
तो इसको मिरर भी कर सकते हो। हम मिरर नहीं करेंगे, यहाँ पे हम बनाएंगे इसको एक एक बार करके। ठीक है, तो मैं यहाँ पे बना रहा हूं, तो यहाँ पे भी मैं इसको बना दे रहा हूं। ठीक है, ठीक है, तो ये हमने कर दिया, ये यहाँ पे भी वो चीज आ जाएंगे। फिर इसको एस्केप पर देता हूं मैं। अब जैसे यहाँ पे सब कुछ ठीक है, कहीं पे डबल आ गए कि देख लो, डबल अगर आ गया तो आप देख सकते हो। और यहाँ पे जो इसकी हाइट है वो लेंथ है, हम लेंथ कम कर देंगे इसकी, जो साइज है ठीक है, प्लेट हाइट ठीक है, स्क्रू लेंथ सी जो है हम लोग का ठीक है, तो हम इसको ओके कर देते हैं फिलहाल के लिए। ठीक है, तो ये हमने लगा लिया है। अब जो है इसकी लेंथ जो है ठीक है, इतना कर सकते हैं हम, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इस तरीके से आप इसको बोल्ड करोगे। और इसमें एक चीज और आ गई कि ये नीचे आ जाता है, ठीक है, कुछ एमएम की नीचे आती है, क्यों हमेशा नीचे रहती है, ऊपर से आपको वो करना पड़ता है जब आप ड्रिल करते हो। तो ये इसकी कोई गलती नहीं है, ये आता ही है, आपको पता ही होगा, आप काम किए तो पता ही आपको ना। जो बोल्ट बोल्ट होती है, मैनुअली करने में मजा आती है, क्योंकि मैनुअली बहुत कुछ चीजें आपको मिल जाती है वहां पे, तो मैनुअली भी थोड़ा बहुत इंटरेस्टेड बनती है इसमें। तो यहाँ पे सॉलिड लेके मैं एक एक करके इसको सॉफ्ट कर दूंगा यहाँ पे। ठीक है, तो इसको सॉफ्ट कर देता हूँ। तो यहाँ पे नीचे सॉफ्ट हो गई सारा चीजें, देख लो यहाँ पे सबस्ट्रैक हो गई। अब इसके ऊपर की प्लेट के साथ इसको सबस्ट्रैक करना है, कंट्रोल शिफ्ट के डाला मैं। तो यहाँ पे सॉलिड के सॉलिड ही कर लेता हूँ मैं, ये वाला प्लेट को ऑन कर लेता हूँ। अब इसके साथ भी इसको सबस्ट्रैक करना है आपको, फिर हम पॉकेट करेंगे इसके साथ भी, सेम ये चीजें हम पॉकेट कर देंगे। मैंने आपको पूरा बना के दिखाया है ना, तो वो चीज जो है आपको ध्यान रखना है, जब भी बनाओगे कुछ कुछ चीजें आपको ध्यान रख के बनाना होता है। अब जो कैलकुलेशन वाला मैंने आपको वीडियो दिया हूँ वो थोड़ा ध्यान से देख लेना, उसमें सारा कुछ चीजें जो है आपको कैसे स्लाइडर एंगल लेते हैं, कितना होना चाहिए, आपको सब पता लग जाएगी। वो चीजें वो देखोगे तो सारा आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो दोस्तों वीडियो में इतना ही था, अगर वीडियो में कुछ नया सीखने को मिलता है तो आप लाइक कर दो, दोस्तों के साथ वीडियो शेयर कर दो, तो डेफिनेटली आपको सीखने को मिले ही होंगे, क्योंकि मैं नया नया तरीके से सिखाता हूँ। ये मेरा एक्चुअली जो है पुराना वाला जो मेरा पेड क्लास था, तो वो वाला वीडियो में यहाँ पे डाल दिया हो। और वीडियो को डेफिनेटली आप लाइक कर दो, और जो अगर वीडियो में नया आया है, जो लोग नया देख रहे हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दे, अपना बेल आइकन दबा दे, क्योंकि मैं इस तरीके से वीडियो डालते रहता हूँ, नया नया जो कैलकुलेशन के साथ, नया नया पैरामीटर के साथ मैं इसको डिस्कस करते रहता हूँ दोस्तों के साथ। और जो भी मेरे से पेड क्लास वगैरह लेना चाहते हैं वो डायरेक्ट जुड़ सकते हैं, मेरा व्हाट्सअप नंबर डाल के रखा हो वहाँ पे जाके डिस्क्रिप्शन में जाके, वहाँ से मेरे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, मुझे कॉल भी कर सकते हैं, व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। जो लोग प्लेट कर लेना चाहते हैं वो लोग डायरेक्ट से मेरे से जुड़ सकते हैं, मेरा ऑलरेडी पेड क्लास चलता ही है, रेगुलर चलता रहता है, जो भी डाउट वगैरह है वहाँ पे मेंबरशिप भी ले सकते हैं वो लोग। तो एक बार लेके देखिए, उसमें बहुत कुछ चीज़ें होती है, जो यहाँ फ्री क्लास देख रहे हो उससे और जो पेड क्लास होते हैं बहुत सारा डिफरेंस मिलेंगे आपको। ठीक है, उसमें हम बहुत अच्छे तरीके से डिस्क्राइब करते हैं, ऑफलाइन ऑनलाइन बहुत तरीके से चलता है। तो वीडियो में इतना ही रखते हैं आज को, कोई अगर डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। और जो लोग मेंबरशिप है ऑलरेडी, मैं उसको वीडियो शेयर कर दिया हूँ, अपने अपने मेल आईडी, जिन लोग के पास मेरा मेल आईडी है तो ऑलरेडी मैं उन लोग को जो पेड मेंबर है उन लोग के लिए ऑलरेडी मैं मेंबर जो है वीडियो शेयर कर रखा हूँ। तो वीडियो में इतना ही है, तब तक टेक केयर, जय हिंद।